चाटा नहीं हम चाटे नहीं हम मम्मी का मम्मी से बता दे बा ना हम तो पापा से बता दे भाई नहीं हम चाटे मम्मी देख ले पापा से बता दे मम्मी जो दोनों जने मिलके चाटा ना अब दा मार पानी हां बच्चे कहां मम्मी पापा कहां गए थे पापा घास झाड़ा था ए बच्चे जाके अपने पापा से कह दा कि मम्मी तैयार होएगी वो पैसा दे दें कॉपी किताब ले भाई की हां मम्मी एक के बैठ दा हम ना जाबे नहीं मम्मी हम चाटत तो भाई जाब का चट बेरे मारे बीए एक पढ़ा का ना बुद्धि सही हो जाई चुपचाप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे का फालतू तै बोलते हम कोपर चट का थे ए कलुआ तो जो पापा बुला के लेके आऊं के मम्मी जाए कहाई ससुरार नगरिया नैहर छूट जाए के होई ससुरार नगरिया नैहर छूट 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 नगरिया नैहर छूट जाए के हैं ससुरार नगरिया नैहर छूट जाए के हैं ससुरार नगरिया नैहर छूट बिना सहित पढ़िया सगुनावा हो पढ़िया सगुनावा अचक में आई जइहा करे मम्मी बुलावत हैं के था बिना बच्ची कोचिंग जात हैं पैसा मांगत हैं पैसा हाँ हे भगवान कितना परीक्षा लेवा मालिक कहाँ कहाँ व्यवस्था करी तैयार होगी मम्मी हाँ तैयार हो गई जात हैं चला आवत हैं हल्दी सावा पैसा दे जाएंगी चला अब आज कहाँ से पैसा दे वही धरे है 200 रुपया दाली नूने के छोटा छोटा दूठ लड़कियाँ बांध दवाई दर्पने के मालिक हमारे मेहरारू मालिक कौनो बढ़िया पोस्ट पे नौकरी दिलाएं मालिक कैल हमार गरीबी चले मालिक चली दे दे ए मम्मी पापा बुलाए का है अरे अरे इधर हम दे कब बस चाटा था तब हां अब हम मैं दे इतना चाटा तब रे नहीं मन जाए मग दे ना तुझे पहले पैसे तो ले अपन मम्मी रे ये देख ना दे तन को अब हम ना देते कब खा हम ना देबे नहीं मैं जाए ले ले मैं जाए रो लगी नाम लाइक का भान एकदम अब हम दे अब दा का फाने है तो नंदे एक कहीं दोनों मिला चूसा था पारी परवा हाँ ओ ओ कहीं से आज स्कूल ना आई है तो स्कूल ना आई है ड्रेस गंदा रहा ड्रेस गंदा है आए ड्रेस गंदा बात ओके कचार ना आई सका स्कूल जाए भी ना हम कचारी अब तू कहीं ना आई है हमार मोड़ पे जाता ओहो तो हंसे हंसे तुम एकदम उबिया आई है जब स्कूल जाए कोई तो हर मोड़ पे रहे तो हर ड्रेस गंदा बा केहू गाड़ पी रहा है केहू पेट पी रहा है ये तो हर एक नाटक बाटे पापा चटबे अब हाँ जवान पड़ाका मारत हो ना अब हाँ सुधर जब घड़ा से अरे नहीं ते नहाए धोए के दुनिया के लड़के स्कूल चला जाते ऐसे ही तुझे बराबर हमारी ने मजदूरी धतूरी करवा दूसरे घर ही नहीं तो बढ़िया से जाए जाए स्कूल पढ़ा लिखा एक अच्छा नागरिक बना आवे वाले समय में नाम कमा अपने मम्मी के न्याय ठीक बा देखा था ना दूसरे घर जाए जाए झाड़ू पोछा करत है समय से पैसा मिलत बा मान ला जब तक हमार जांगर चला बा तब तक कमाई तुह से खियावत है बिहान मान ला बुढ़ा जाए ना जांगर पौरू चले ना पढ़त लिखे जावा बेटवा बिहान समय खराब आए तब तुझे बतावा का करब अपने जिंदगी में
मान लात हम जियत है बिहान मर जाए का हो तुहार से के बतावा बहाना ना ही करे के हरदम कहा मोड़ पिरा था पेट पिरा था काले समय से स्कूल चला जा जाए। हाँ पापा काले चला जा रहे कपड़वा मार के कचा रहे। अरे अपने मौसी को बुलाए कपड़वा कचार दे तुहार कपड़ा ना कचार सकत है इतना बड़ा हो गया चोरी करत है उनके आम तोड़त है उनका आम तोड़त है ये कुल करे भी नहीं तो सब एक टाइम बा कपड़ा ना कचार पाता है कहो आई गया। हाँ जाता हूँ जाती ला पैसा चाहता ला कापी ना हो। हाँ लाला है ये 200 रुपये तो रखे रहे दाल ओल लिया हुए करा तेल ओल अब लेकिन अब भाई अब ए पापा हला ए पापा हमार ड्रेस वा फाट बाटे मैं नया ड्रेस लिया आई दे पापा हम चड्डी लिया आई दे हे भगवान लिया आई दे भैया भाई काम हम ना चलत बाटे उनकर यहाँ काम लगा है बिल्ला राजा की यहाँ पैसा वैसा मिले पेमेंट वेमेंट तुम्हें से लिया आई दे भैया खाली तू सुबह कायदे से राजा कायदे से पढ़त लिखत जा और हमने के गंदी लिया हमार गंदी फाट गया वाली ठीक बाटे हम लेता है चला चला तुम छोड़ दे चला खाना ना खाऊं। हाँ खाना खाए चला खाना खा ले जाए दो बजे तोरे मम्मी छोड़ के आवत है देखी कतम साधन धन कुछ मिल जाए पकड़ाई का होते है मार झगड़ा जिन कर जा ठीक है ठीक है चला ए पापा मुझे जाती खाना खाए ना ठीक है जा चला चला कॉपी किताब लूं कॉपी किताब ले लेबे और रास्ते में मतलब घटी होते ले लेबे। हाँ कुल अपन ले के बढ़िया से अपन रख दू समय से खाना खा लू ठीक है। हाँ खा लेबे और कल्लू पुन्नी के ध्यान रखा काहे कि सबने बहुत झगड़ा करे ना टेंशन नहीं ले करे जा नान नान बच्चा है सुधर यही अब थोड़ा से खाए पिए के परेशानी बा देखा दूठ बाबू बटन तुम इतना तन मन धन से मेहनत से पढ़ावत लिखावत बाटी ये जान ला कि गाड़ी पसीना मुहे बहा देती रानी तुम तो कुछ बनाओ भी नहीं हम सोचे थे। तू टेंशन जिल ला कल्लू पापा एक दिन जड़े दिन कुछ बन जाम ना वो दिन कुल सही हो जाए। अरे हमारे रानी कल्लू मम्मी तोरे ऊपर हमें बहुत भरोसा बटे एकदम अच्छे से तू खाली मन से पढ़ाई लिखाई करूँ और जान ला सबके गाँव वालन दिखावा खाओ कि जैसे आदमी इतना मेहनत करके अपने मेहरारू को पढ़ावत लिखावत बा ताकि तू कुछ न कुछ जरूर बना और हम अपने ही गांव वालों को दिखाई इतना मेहनत से जब तू उनके पढ़ावत है कुछ न कुछ जरूर बना भगवान की कृपा से। अरे हमारा रानी भगवान कब दिन लौटावे चला चला तू छोड़ दे चला ध्यान दो अपन एकदम अच्छे से एकदम मन से एकदम पढ़ाई लिखाई करूँ और हाँ तू टाइम से खाना पीना खा लिया दुबरान जाते तू हमारा टेंशन जिन ला करे जा कल्लू मम्मी तू हमारा टेंशन जिन ला हम खाई चाहे ना खाई लेकिन तू अपन कह दे ख्याल रखू तोरे पीछे जान ला कि हम बहुत परेशान बट नहीं कल्लू पापा तो टाइम से खाए पिए जा जाना तो टाइम देख के तुम जिंदा भाई और गाड़ी उड़ी को ना आए थे आ जाएगा देखो तू रोवा जी नहीं रोवा तो अच्छा ना लगे हमके ना रानी तू अच्छे से पढ़ाई करू और सुना जान तो फीस बाकी 3000 बिल्ला राजा की हम काम करते एडवांस लेके हम दे देबे ठीक है ठीक बा जो दिन कुछ बन जाए ना क्यों घरे काम ना करे दिप तो आगे। अरे मार करे जा जब कासु दिन आ जाते तब ना मार रानी तू का गाड़ी आवत बटे भैया रुका रुका कल यार ने भैया जा कब हम हमारा दिन आए घबरा जी समय खराब है भैया भैया रुक जाए के रुकत ना बटे घबरा जी तू टेंशन जी ला कल पापा एक दिन कुल सही हो जाए देखत रहे दू चक्का वाले ना रोकत हैं बतावा दू चक्का वाले एक दिन हम तो के चार चक्का में लेके घुमाए। अरे हमार रानी गाड़ी आवत एक गाड़ी आवत रुकी रहा रोक दो भैया रोक दो भैया 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 हम ना जाए को भैया वो हमारे औरत ये जाए को भैया तेल ले जाए कोई चौराहा छोड़ दे भैया तेलो तो कम बा आए तेलो तो कम बा भरवा दे 50 रुपये भरवा दूँ कल्लू मम्मी पैसा कम में बता लूँ पापा भरवा दूँ इनके में हम एडजस्ट कर दे कल यहाँ जाबे आज बिल्ला राजा से एडवांस कुछ ले ले भाई चला ठीक आओ बैठा तब भैया ख्याल छोड़ देना चली कल्लू पापा जा खुश रहा भगवान तुम्हारे सपना पूरा करे बैठे आराम से खाना पीना खा लिया तू ठीक सटाई जिन बैठा एकदम मडलवा जा जा ए कल्लू पुन्नी कल्लू यहाँ बच्ची
कहा था ये कोई धरा जाए जिन्हें बाल दे बाले बाद हम चला जाए कामे हमें लेट होत बटे नहीं तो राजा साहब बिगड़ गए और तुझे जो कोयर बाल देता है आज स्कूल ना आइए कोयर ना ना भैंसी समझ खिया दा घरे कापी किताब खोल पढ़ लिख ले जा ठीक है इतना बाले रहे तब तक वो झारे चलग रहे धरा में बाल दे धरा जा 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 तू धरा दे नहीं तो एक काम करा तू जा भैंसी पानी डाल दे जा बाल डाल का वा दो बाल्टी डाल का वा धरा दे जा जान तो कर लो कि जीवन मिला बा भैया मैं जितना ही मेहनत करबा जितना ही मेहनत करबा उतना ही सुखी रहबा जांगर जितना ही पेरबा संसार में उतना सुखी रहबा और पढ़ लिख के बढ़िया जब नौकरी पा जाबा ना तब कहबा हाँ पापा का कहा तो ना नहीं बच्ची ने हे देखा ऐसे खटक परे गाड़ी बगल एकदम गधा ने खटक परे और पैसा कौड़ी भी ना मिले परेशानी परेशानी झेले परे बचवा ठीक पापा काले चला जा पर है हां काले जाला जा जा स्कूल लोगे अरे राम एक काम कर रहा है अब रहा है जितना इतना तो उसमें भूसा मिले खियावत जा हम जाती काम में ठीक है हां ले आवा हमारा तुआ दे दे फरता दे हम जाए ले पापा ले हमें पापा डाल दे पनिया अच्छा 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 सुना झगड़ा झंझट जिन कर जाए ठीक है मम्मी देखा चली गई कोचिंग करे और तुझे घरे बटे हम जाती अब कामे पे कायदे से घरे रह जा ठीक है भैया अनुवादी जिन कर जा लाल लोगे झगड़ा जिन कर जा तब मम्मी ने बढ़िया तो से पढ़ लिख के नौकरी चाकरी पा जाए ठीक है मम्मी को नौकरी पाई जाए तो हमारे से एक दिन बदल जाए तब राजा की हमें जाए नौकरी न करे नया नया कपड़ा पहने हाँ नया नया कपड़ा पहरे जाबा अच्छे से रह जाबा और नौकरी मम्मी पाई जाए तो हम अच्छे से रहा एकदम ठीक है जाते हम ठीक है जा जा समय बड़ा बलवान रे भैया समय बड़ा बलवान समय बड़ा बलवान बड़ा टाइम हो भगवान हमार बीवी नौकरी पाए तब हमार दोनों पढ़वाई लड़कियाँ खूब अच्छा स्कूल में पढ़ी नया नया कपड़ा पहरी अच्छे से रही एक बाद भगवान हमारे गरीब आदमी के दिन लौटा दही हमार नौकरी पाए जाए हमार मेहरारू ते कौना मोड़ पिलाई तकदीर बाटे हो मुतन के अखिया में खाली नीर बटे हो अरे अरे यार कहा थे काम हो जाए मालिक थावा बैठा है लागत आज बिगड़े ही का लेट हुई है चला देखिए देख हमारा दिमाग एकदम डिस्टर्ब जिन कर ओके फोन लगा के समझाई का थे ठीक बा हाँ हाँ राजा साहेब चल ठीक बा कहो आइए हाँ माई बाप आइए राजा साहब ये मस्का हमें जिन लगावा समझा का भ राजा साहब ये बतावा तू 12 बजे काम करे आवत है ऐसा ना राजा साहब दूठना ना बच्चा है राजा साहब मेहरारू पढ़ावत लिखावत है इम इधर उधर दौड़े धूप में लेट हो जाए राजा साहब आप नाराज न हो जवन काम हो बताओ हम तुरंत कह देते राजा साहब अरे बड़ा काम कह देवा किया है हम ना समझते तू कैसा आदमी है अरे ना राजा साहब जवन आप कहा तवन कह देवे देखा मस्का जिन लगावा तो हमें सुबह तक दी चढ़ाई का दे हम तुसे मतलब कपारे बैठ मुँहते चाहते अरे ना राजा साहब गरीब आदमी है जनता है आपको सहारा बाटे राजा साहब सहारा छोड़ पहले धावा पहले हाँ हाँ माई बाप झाड़ू लगा के बाटे और घरे पोछा मारे बाटे अच्छा अच्छा और लैटरिन साफ करे बाटे ठीक बा अच्छा और जाके छाती पीटा चढ़वा दे अच्छा 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 ठीक 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 राजा साहब जितना आप कहते हैं बिल्ला राजा कुल काम हो जाए एक है हमें समस्या है राजा साहब मार घोष सुन ले ओहो का बोला आए माई बाप दूठ नान नान भटकई अज्ञान लड़कियाँ हैं गरीब आदमी था भाई करिए आप यहाँ काम धाम करती हमें खाली आज 3-4 हज़ार रुपया दे दें राजा साहब बहुत जरूरी बा हमारे मेहरारू जो परीक्षा होने वाला बाटे SDM वाला वही परीक्षा देवे बा हमें बहुत जरूरत हमें दे दें हम काम पूरा कर दे बस अरे बाप बाप जब देखा तब वह पैसा
पहले जो कुछ काम का क्या तब तो हमसे आज मिल। अरे राजा साहब कहें गुस्साते हैं, ठीक बजाते हैं। अभी ना जवान जवान काम बताए मालूम बा। हाँ राजा साहब, छते पे ईंटा पहुँचाए बटे और लैट्रिन साफ करे बा, पोछा मारे बा। इना और खेतवा कोनवा के खुदे तो बाबू खुद ही वो करे क्यों तू काम ना बटे। अरे नहीं माई बाप, हम कह देते हैं आप नाराज मत हो, बस हमें ध्यान दे रहे हैं, हमें पैसा दे दें राजा साहब। पहले जा कुल का क्या होता हमसे मिला यहाँ। ठीक 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 राजा साहब। हे भगवान, जब से हुई है शादी उसको निभा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। मेहरारू को SDM बनाने का सपना सजा रहा हूँ। ए भगवान, हे मालिक, जैसे इतना मेहनत करके अपने मेहरारू बिना हम खुलकर थे प्रभु, वैसे हमार सपना सजाए दे मालिक। हमारे मेहरारू कौनो नौकरी जरूर मिल जाए मालिक। अब चली लैट्रिन साफ कर दे। अरे बापा रे, वाह रे मालिक, वाह रे प्रभु। हाँ चला मालिक, जहाँ तक संघर्ष करे बस जीवन में करत रहा। और खेतवा की अरिया में जेठ दोपहरिया में, खेतवा की अरिया में जेठ दोपहरिया में, फरसा चले ला जोर जोर हो पिया। चला चली गौवा की ओर हो पिया, चला चली गौवा की ओर। अरे रा प्यास लग गए। अब चली पानी पी ले इतना। हाँ हो गए। अरे बप्पा बप्पा, बारे राजा इतना काम करवा था लेकिन एक पानी ना आए, जैसे कहता पानी बाटल। अरे माई रे, चलिए अब ईटा धो पहुँचा दे। हे भगवान, कहिया लैसे खटाई परे मालिक बतावा। चला मालिक, ऐसे ही मेहनत करते वैसे हमारे मेहरारू कुछ बनाए जाए प्रभु। ना ना दूठ बच्चा है, जैया रोजी रोटी लग जाए। हे भगवान ऊपर वाले। अरे पपाई हो, अरे राम हो राम, जब देखा था बाहर दुनिया का बताई। किस्मत किसी मोड़ी पे अनीरा। कुल काम है अब चली मालिक लगे। माई बाप कुल काम है ये राजा साहब। अरे सही इसका क्या है कि खाली लब गुमार का है। अरे नहीं राजा साहब, एकदम मेहनत से करे है, पोछा मार के एकदम चमका दे, लाइटिंग एकदम साफ कर दे और ईंटा पहुंचा दे माई बाप, और कौन खोद दे है मालिक। पूरा काम है ये हमें दे दे, पैसा हम जाए मालिक, बहुत जरूरी बा। ओहो
जान लेना ये हम तो हाथ थोबड़ा देख पैसा ना देते हैं। हाँ मालिक, जवान दूर की चोरी चिल्लात हैं, उनने हम मुंह देख देते हैं ले। हाँ मालिक, आप पैसा हरा मालिक दूर थोबर दे दें। अरे चार जब आते ही, समझा? दे मालिक। अरे भाई साहब, ले। अब सुना? हाँ मालिक। कल सुबेरे टाइम से चलाया। ठीक 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 मालिक, ठीक मालिक, ठीक मालिक। भुला जी समय चला नहीं, चलते माई बाप जाए। का बताई एक हम काम देख बजिए नाम जीरो कहना है बाटे एकदम। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। अरे भगवान, हे मालिक, जैसे अपन हम मेहनत की कमाई अपने मेहरारू पीछे लगावा थी मालिक, वैसे हमारे मेहरारू कौन एकदम बहुत बड़ा नौकरी दवा दे मालिक। ये हमने गरीबी वाला दिन बदल जाए मालिक, हमारे बीवी की नौकरी मिले। अरे बप्पा रे, काम करत करत हालत खराब है। ये मैं पढ़ाई करती हूँ, डीएम की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, कहाँ रहा तू? बस यही, रोक दीजिए। अच्छा ठीक हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कहाँ पे जाओगे यहाँ से? ये कमा के कहूँगा ना भगवान। हाँ। बस वहीं हमारे घर ही है। चलिए ठीक है, चला ठीक, बाय बाय। जो यहाँ सर मैं मतलब डिस्टर्ब करते हैं तो ये अपन पढ़ने ड माने डमरू ढ माने ढोंड़ी च माने चोली त माने तकिया म माने मम्मी आ माने आई गे ल माने लता वस धई के लतियाई दे ध पड़ी नहीं कहीं ले लगू आवे लग मार पड़े एक बार करे तूने का करे तेरे मम्मी हम पढ़त है ये मजाक फाने हन नहीं मम्मी मैं पढ़त रहे करे कलुए ते उतना पन्नी का कर फरे हैं फटा रहा गमे सब फटा रहा हम कितना समझाए कि बच्ची पढ़ ले न लेकिन तय नौटंकी फाने थे पढ़े तो तब पनिया के तरह फाट रहे ओ पहले साल फाट रहा पहले से फटा रहा। हां ये बेचारा कितना अच्छे से फरक करे बकरी भय होते पनिया कैसे चबाते हैं तो पनिया आदत परी है ना आदत परी है मार भी एक झाप ना आदत छूट जाए तो हर अब पेन मत चबाए ठीक है और तू इसे एक जन गलवा है ना मार खींच के लाल हो जाए चुपचाप मन लगा पढ़ ठीक है भाई से कोई पानी डाले रहे हाँ डाल रहता हूँ तेरे पापा कहाँ गए काम है पे चल ठीक है तूने पढ़ हाँ पढ़ाए गलती अगर करें तो बताए हम कितने ठीक बा बैठ रहे चल पढ़ धमाने ढोंढ़ी अरे मम्मी ढक्कन ढक्कन बोलिए ढक्कन हाँ ढक्कन जमाने कमर तू सुधर बन अब की पारी अगर जहाँ उठा सीधा बोलबन सीधा मम्मी को बुलाई घमाने घघरा घमाने घर बहुत अच्छा बहुत अच्छा अरे बप्पा बप्पा घमाने घघरा पढ़ा था नहीं घड़ी पापा हाँ घड़ी अरे बाप बाप बतावल है घर माने घघरा अच्छा माने चोली कुल पढ़त जाए तू सुबह नहीं पापा हम पढ़ ले बा अरे का पढ़ ले बा पापा यहाँ खटत खटत पापा का हालत खराब बा मरा यहाँ अटका जाते हैं पापा चाहते हैं कम से कम तुहन से पढ़ाई लिखाई दे हम सही पढ़ते हैं पापा ये ढा माने ढोड़ी ये कुल पढ़ा था नहीं ये कुल तुझे पढ़ा था माने तो से चाहता अपने पापा ने ये फट से कुदर चलाई नहीं पापा अरे पढ़ लिख ले जाए अच्छे से देखा था तोरे मम्मी के पीछे वैसे हम परेशान है इतना दिन रात खटत खटत हमारा हालत खराब तो नहीं माया ना लगे था बाप खटत बाटे कम से कम पढ़ ले माया तो लगबे करे थे माया लगे तो घमाने जो घघरा पढ़ता चमाने चोली ना घमाने घड़ी पढ़ा राम कुमार थमाने अब मम्मी भाई तो ना आई आइए कब कहाँ पा घर में बुला 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 मम्मी रे पापा आ गए एक लोटा पानी लेकर जल्दी से
इतना बतावा जुग जमाना खराब बा, काम हेरे से ना मिलत बाटे, मने काम ना पावत हैं। कहाँ से बिटवा लोगे पढ़ ले, लेकिन तोरे से बुद्धिये ना होगा, हम कहाँ बताएगा, तुझे कहाँ चाहत है। कहो आएगे? हाँ, तू कब आओ? अरे होएगी हमके आए 10-15 मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा। ए मम्मी रे का जाके ना लौंडिया के का थी का अरे पापा मुंह से निकल कुल्ला करे अरे बाप रे बाप मने ही कहा था बांस के जरी बांस पैदा होते लेकिन हम तो ऐसा ना रह जैसे हमारे लड़के निकल गए लौंडिया ही करे जाता नहीं हां कुल्ला करे जाते कभी जाए का बारी है वहां मना कर नहीं मना रहा था लड़का लड़का हां तोहरे तना पर है का तेसन तू फालतू बोलत है फालतू का बोलत बना समझ में आता काट लौंडिया ही करे जाती का बोलत बे निकल गए होए मुंह से गलती से निकल पापा जाते है वहां आउत ना मोर पापा जाए दा जा 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 जल्दी जा कताऊ के घर इधर जो जा जी चोरी फक्का चोरी करे फक्का तो ना जा भाई बकड़े हुआ थोड़ा टहरे तो के बांध है हला ला पैसा कितना बा कर लूं पापा 4000 4000 से का होए कैसे कैसे बहुत मुंह लटका है का बात है पेपर आई गए 10 तारीख के हाँ 10-15 हजार चाय पेपरे में 10-15 हजार रुपया और 15 तारीख के रिजल्ट आए तू तो कहते रहे कि 3000 रुपया लागे हम एडवांस में ले रहे 4000 रुपया ले आए हैं नहीं मास्टर कह रहे कि 10-15 हजार लगे रिजल्ट का ये 14-15 का रिजल्ट आए तू टेंशन नहीं ला कर लूँ मम्मी पुन्नी मम्मी कर लूँ मम्मी तू टेंशन एकदम जिन लगा हम जिया था ना कहाँ से लेबा कर लूँ पापा हम अपन खून बेच दे हम अपन ब्लड बेच दे भाई अगर हम जिंदा है तो अपने बीवी के सपना साकार जरूर करब हमके तनख्वाह अच्छा ना लगा तू इतना घामे घामे काम अरे हमार रानी तू धैर्य रखा तू हमारे साथ है साथ फेरा ले हो हमार धर्म पत्नी हो दुनिया में भगवान तो दुए रिश्ता बना है पति पत्नी की रिश्ता अरे जब तक हमार सांस चलत रहे हम अपन एक एक सांस बेच देबे तोरे पीछे तू कहीं टेंशन ले तू करे जा तू टेंशन देखा कर लो पापा ढेर दिन बीत गए थोड़े दिन और बस ये पेपर हो जाए नौकरी बस फाइनल तू घबरा जिन हम हो सबेर में बिल्ला राजा के यहाँ जाब 10000 रुपये चाहिए 15 कितना है 4000 4000 और चाहे 10000 चलो ठीक है हम सबेर में जाब राजा साहब से फिर मांग ले भाई कह दे भाई बिल्ला राजा हमें दे दें और दे दें ही बहुत अच्छा है और हम उनकी यहाँ 6 महीना साल भर 2 साल मजदूरी करके हम पैसा पटाए कहाँ से लेकिन रानी हम तुम्हारा सपना जरूर साकार कर तू पेपर देबू टेंशन जिन ला ठीक है हमके ना अच्छा लगत कर लो पापा तू बता दिन भर घामे घामे काम करा लंबे भी नहीं कर लो मम्मी जानो तू ये वक्त बाटे हमने परीक्षा ले बाटे आज हमने परेशान है अगर भगवान कब सुन ले ही आज हम मेहनत के कमाई तोरे पीछे अपन दिन रात एक कह देती कुल पैसा लगा देती कबो अगर तू कोनो अच्छे पोस्ट पे हो जाबो तब हमने दिन लौट जाए कि नहीं दो नान नान बच्चा हैं बाबू हैं उनकर किस्मत बदल जाए तब ना कर लूँ मम्मी हमें कुल फरसा और सा कुदार चलाए भी कुल मेहनत मजदूरी वाला काम एकदम बंद कर दे कुछ न कर दे बस तू घर में खाली बैठा रहा एकदम अच्छे से हमने अपन जीवन बितावा जाए अच्छे से एकदम मस्त ना अब तू खुश से जा और जा गर्मा गर्म एक कप हमें चाय बनावा हम हो सवेरे जा पैसा ले जाए ठीक जा तू निराश दिन हो जा लेकिन पैसा काले चाय ना हम सवेरे में जब लिया तुम्हें दे दे तब तू जाओ ठीक नहीं तो वहाँ चला जाए नहीं तो भाई जिन जा भाई खुद ही खट के आवत है तू सबेरे जाया चला तब ठीक बाटे हम सबेरे में जा भाई पैसा लेके आए तुम्हें देव तब तू जाओ अपने कॉलेज ठीक अब जा हमें एक कप गर्मा गर्म चाय पिया दे ठीक बा कर लो पापा हम तो क्या अच्छा चाय बनाएंगे ठीक जा ठीक हे भगवान का मालिक कितना परीक्षा ले बा कितना करी दो दही एडवांस पैसा ले चुके बिल्ला राजा से अब कौन मुँह ले फिर जाब के करी यहाँ कौनो खेत की यारी भी ना बा कौनो गाना गुड़िया ना बा कम बेच दे चल अगर उधार दे दें ठीक है ना अपन ब्लड बेच दे का करब लेकिन सपना जरूर पूर करब पापा पानी दा बेटवा कैसन बहुत उदास है तू सुबह ना समझ पाए बच्चा लोग पापा के ऊपर इतनी जिम्मेदारी लदा बाना
कि पापा अब का बताओ यही नाते का था तो उसमें अच्छे से पढ़ लिख ला ताकि आज बाप पापा जैसे परेशान हैं ऐसे तुझे परेशान जीन रहा भैया लोगे। नहीं तो वह बम्बई गुजरात दिल्ली कलकत्ता खाली जात जाबा परेशान होबा काम ढंग ना मिले लोहा लाइन में फलान ढकान कंपनी में काम करबा पढ़ लिख लेबा तो अच्छा पोस्ट पे अच्छा नौकरी पा जाबा बाबू। ठीक है ठीक है वो पढ़त है हमें गुड़ ना हो ना ही गुड़ कहाँ बाटे जायद राय जाइ हम हमार पेट पीड़ा लगा बच्ची मम्मी बुलाओ अपने जल्दी मम्मी ए मम्मी जल्दी आओ पेट पीड़ा बच्ची पापा पेट पीड़ा था हारी मारी काबे कर लूँ पापा अरे बहुत तगड़ पेट पीड़ा था अरे माई पापा जानना बच्ची बहुत तगड़ पेट पीड़ा था काबे तो ये कम नहीं सो रहा है कर लूँ पापा अरे कर लूँ मम्मी आज कुछ ना खा रहे आज पूरा दिन वैसे काम करवात रही है बिल्ला राजा का है तू पूरा दिन वैसे काम करा हमरे बिना आज कमोए वैसे ना ईटा चढ़ावे करा छते पे हम तो के कह रहे ना तू खाना पीना खा रही है टाइम से परसा चलावे करा पोंछा लगा करा एकदम थक गए कर लूं मम्मी ऐसे मजा करा कर लूं बाबा का खाए रहे कर लूं बाबा कुछ ना खा रहे कर लूं मम्मी हम तो के कह रहे ना तू खाना पीना खा के जा करा काम में का करी कर लूँ मम्मी तोरे पढ़ाई चक्कर में तोरे पैसा की तलाश में हम इतना परिश्रम उठावत है पापा कलू हाँ जल्दी चाहिए बना के लियाओ कर लूँ मम्मी हम लेके आओ थे भैया लेके आओ थे हाँ हाँ अरे भाई रही बच्ची पे टॉस हो रहा हमने छोड़ के जा जिन पापा नहीं बेटवा अब अपन फर्ज हम पूरा कर तब दुनिया से आप तुझे घबरा जिन कैसन जिन बोला कैसन रे का भा पापा के पेट पीरा पापा की वहीं बका जा जा जिन मार हमेशा मजाक नहीं सुझा रहा थे का थे पेट पीरा तो मम्मी बुलाना तो यार तो मजाक सुझा रहा था बच्चे हट नहीं उठा गलू को बचा दिया अरे मायरी आराम से पिया ना अरे जरता लिया वो टेम झलका पर ये हम तो छान के लिया है कल को आराम से पिया सड़ गई इधर ये करा रज की ए मम्मी और हो मौक दे करा रु करा पेट हमार पिया तो हर का पिया था ले आम पिया दे ठीक आराम से कुछ खा ले होता तो दोपहर में का करी रानी दूठ लड़किया बाटे ने खेतु बाटू तोरे सब के अलावा मार दुनिया के बा बतावा तोरे से के लिए हम इतना मेहनत करते ही छाए जब तक हमार सांस चलत रहे तब तक हम मेहनत करब रानी लेकिन सपना जान लग तो है पूर करे के हुए बिल्कुल कहलू पापा हम सपना पूरा करब तोहर एक काम करा सब्जी नहीं बस करा सब्जी उब्जी बाग नहीं सब्जी तो ना हुए एक काम कर आग उकबारा तू हम जाती सब्जी लेके आओ थी अब सांझ होई बाटे अब पहले खाना पीना बनाए ओकरे बाद खा पी के सवाई होई ओकरे बाद कैसे जा बा तू लेवा सुबेरे हम व्यवस्था कर तू टेंशन जीन ले पागल हमार जत लग बेसक गलू ले जाई तू जा दे लड़कियां दोनों ने रात घर है उनने का पर पढ़ाई लिखाई ठीक बा तू जल्दी जा लेके आ पहले बना के तो के खाना दे ठीक बा बचा के ठीक है तू टेंशन नहीं ले जा बार बार पूर्व से उठेली किरिनिया न हो जागा भोर भैली मालिन पूर्व से उठेली किरिनिया न हो जागा भोर भैली मालिन भोर भैली माई हो अबेर भैली माई हो पूर्व से उठेली
किरिनिया ना जागा भोर भैली माई। जय सूर्य नारायण। बारे प्रभु बारे मालिक। ये कल हुआ मम्मी अब तक सूती है बतावा जाए हुए नहीं का अब तक सूती आओ तू है लोटा पकड़ा अब खेमार साइड लिया कोनो पहले ही जाए हम पैसवा ले चाय फटाक से नहीं उनका चाय बना दी तब जानो चाय वो ना पिए चाय वो पिए तो जानो गाड़ी बहुत पछड़ी है जिंदगी में बहुत संघर्ष करे एक बार आनी तो है हमें नौकरी दीवा एक बार टाइम चलो ठीक लिया लिया साइड लिया पहले हम फटाक देनी जाए हे भगवान 10,000 रुपया पता नहीं मिले कि नहीं मिले मालिक कमरे औरत परीक्षा दे एक बार चला प्रभु बच्ची उच्ची सोवा है उन्हें जगाए दे जाए जो ना तीरे भीटे से निपट के चला हम है चला ठीक बा हम जगा देते हैं मुझे आती नहा धो के तैयार हो और सुना तू फटाफट नहा धो के तैयार हुआ और हम जाते हैं हम बिल्ला राजा से पैसा लेके आती रानी और तुहार हम फीस व्यवस्था कर देते तू खाली तन मन से एकदम पढ़ाई करा और परीक्षा दे दे एकदम टॉप निकाला मालिक पैसा दही न दही बहुत जरूरी बाटे हे प्रभु पैसा मिल जाए मालिक मन्ना बाबा जामुन पका झरिए का मालिक कितना परीक्षा लेबा प्रभु अब कल है मालिक से ले रहे 3,000-4,000 रुपया अब बतावा आज दही कि ना दही अरे दाम सब मुड़े खराब है खत्म है काम बस ये खत्म हुई बस ये मालिक 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 का फदे मालिक बहुत धर्म संकट बाटी मालिक हमरे मेहरारू पेपर बाटे कल और आजे उ जाए हमें बहुत जरूरी बा मालिक 14,000 रुपया चाहे मालिक दे दे हमार पूरा मेहनत डाल हो जाए पढ़ाई लिखाई बो के मालिक आप एक सारे बाटी मालिक प्लीज मालिक मालिक ई ना है अंडा बच्चा तोरे मेरा ठीक है हम ले है अरे मालिक ऐसे जिनका मालिक आप हमारे सब कुछ है मालिक अपने मेहरारू कम बहुत पढ़ा लिखा है अब ओकर पेपर हो वाला मालिक ये परीक्षा करना देवा पाए तो हम बर्बाद हो जाए मालिक हमारे पास दू उठना आना पेटी पेटा पढ़िए पढ़वा मालिक अब वही काल है तो पैसे एडवांस ले गया है ना हाँ मालिक आज लेकिन और चाहते कैसे पेपर हो ये मालिक अगर मालिक हमारे मेहरारू कुछ बन जाए तो आपको मालिक लौटा अच्छा ना लौटा पर मालिक हम अपन शरीर गिरवी रख देते पूरा जीवन भर आपकी हम काम करें मालिक जान लग पुराना हमारा नौकर है तब 10,000 बाटे कितना चाहत बा मात्र 14,000 14,000 हाँ मालिक अरे बाप हो बाप 14,000 3 साल के जान लग कमाई बाटे मालिक 3 साल ना हम अपन पूरा जीवन गिरवी रख देते मालिक आप खाली दे 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 मालिक का बताई मालिक हम देख आते हमारे मेहरारू निकले मालिक भगवान तो खुश रखे हमारे मेहरारू पेपर दे का बताए एक ऑफिसियम लेट हो बाटे आज यही पैसा आने एडवांस जिंदगी भर एडवांस ले जाते हैं कितना एडवांस नहीं दे हम पैसा कब लिए नहीं
तैयार हो गया? हाँ तैयार हो गए। अरे जा था वो पेपर देव कवा जरूरत माने इतना टीक मटीक तन क्या कम रहे कहाँ ज्यादा करे ये बड़ा जो कटा नहीं है गुआ थे झारत रहे चलो छोड़ा है के कुल काम पे फोकस रखा जाओ ना गए बारे चक्कर पड़ी है पैसा लिया है? हाँ लिया है। कितना लिया यहाँ? जितना तू कहत रहो उतना पूरा है 1000 ज्यादा है 11000 रुपये पूरा टोटल बा। चलो ठीक बा 10 तारीख के पेपर है 15 तारीख के हमारा रिजल्ट आया SDM का। ठीक है रानी समझ ले जितना मेहनत करके पैसा देते है मतलब खून पसीना एक कह दे है और इतना याद रखूं कि अपने पास दो नान नान बच्चा है अब सारा सब कुछ तोरे हाथ में बा करे जाए। बस 5 दिन का बात कर लूँ पापा 5 दिन में आ जब तोरे लग गए हमें पूरा विश्वास हो रानी तब है तोरे लिए हम पूरा दिन रात एक कह दे है अब इतना याद कर ले गाँव वाले जैसे हमारे मजा लेते रहने मेहरारू पढ़ात लिखात बा वैसे मतलब गाँव वाले दिखाओ खो और कुछ कह के तब लौटू। ठीक ठीक बा हम एकदम जीत के लौटब। हाँ तो हम लड्डू बांटे भी ना तैयार रहा हमारा नहीं भगवान करे पास हो जाए मालिक और नौकरी पा जाए जा और चलो तुम फट दिन बैग लियो छोड़ दे हमें फिर तुरंत काम जाए खो एडवांस पैसा हम लेके आए राजा सिरोही कह के। हे मालिक हे प्रभु गरीब सुन ले हमारे मालिक हमारे मेहरारू कानून कोनो नौकरी जरूर दिवाए दे मालिक बहुत मेहनत करे ही हे भगवान दो नान नान बच्चा है मालिक सपना पूरा कह दे हैं। ए ए पुन्नी कल्लू यहाँ बच्ची आवत है पापा कहाँ जाती है रहती रे? हाँ मुँह हाथ का थे बैंक में दंगे चला ठीक बाटे स्कूले जा जा भगने हाँ जा पापा स्कूले चला जा भैया तू कैसे ना बोलता हम आऊँ जा स्कूले चला जा जा राजा लोगे जाना भैया हाँ अच्छे से पढ़ लिख ले जा राजा बाबू दिन जहिया लौट गया तो हर बाप चाहता है जिंदगी भर दूसरे के जो मजदूरी करे तुम तो तैयार होगा फटाफट स्कूल ले जा। ठीक है हाँ तैयार होगा तो लोगों चल जाए स्कूल ले जल्दी। अरे एक पैसा गोदामिया में रख ला या कथा कायदे से रख ला इसे दिखाइबू। अच्छा पापा हम तैयार होकर चला जाओ। हाँ जा 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 तुझे तैयार हो के स्कूल चला जा तोरे मम्मी को छोड़ के हम चला जाए काम में। ठीक है और हाँ ध्यान से रहा ना 5 दिन हमने रख का ऐसे दाम पहुँचा दे वहाँ तक रोडवा तक चला और टाइम से खाए पिए जाए बिना खाए तू चल जाला काम तू हमारा टेंशन नहीं लगा लू मम्मी तू अपन बस ख्याल रखू तू समय से खाए जाओ पिए जाओ। देखा कर लू पापा हम न रबी मत कह के बिना खाए पिए चले दूध लेकर आए तो आई के देखा के 5 दिन तक तू टेंशन नहीं ला रानी तो से 5 दिन का 5 मिनट जी ये बहुत मुश्किल हो गया था। ठीक है चला जाए दरोगा जी अच्छे जा डर बने कैसे सफर तो और अच्छा हो जाए दरोगा जी रोवा जी तुम्हें तो कुछ बने बना चला चला कुल सामान अपन कायदे से रखे हो ना? हाँ कुल सामान कायदे से रख लिए। हाँ कुल अपन कायदे से रखू और खाना पीने वाला सिस्टम अपन अपने हिसाब से जाए खा पी लू होटल में। ठीक बा। हाँ तू हमारा टेंशन जिन ले ठीक है? ठीक बा। हाँ तू अपन बढ़िया से अपन कुल रखू और तुम तो खाए पिए जाए टाइम। हाँ हम खाए पिए जा भाई तू घबरा जी तू अच्छे से पेपर दे दू। ठीक यार घाम लागत तू इधर आ जा रज को घाम ना लागत पाए कहाँ करे जा कैसे रहो हम तोरे बिना। अरे हम कहाँ बहुत दूर तू हमसे जाता हूँ हम तुम्हें तो बिना रह ले भाई दूठ नानन बच्चा लेके तू बस हमें याद कर रहा हूँ अभी जान जाऊँ कि अपने लड़कियन के अपने आदमी के नाम रोशन करेगा गाड़ी आवत एक खेर को रोकत है ना भैया रोक दे भैया भैया हमारे औरत के छोड़ देता है अरे यार इनके कहां छोड़ दी भाई मैं खुद लेट हो तो जाए मोर भैया मोर भैया खराब है यार सार गोर धरती मोर भैया कहां जाइए वही रंदियाल का चौराहा भैया चला बैठा आओ आओ बैठो 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 जाते हैं पेपर देवे भैया ठीक हम चले के जा हमार रानी बैठा जल्दी करा। ठीक है जा जा बैठो चला ठीक है तू बैठा बैठा लेट होता साड़ी अपन सही कर ले ठीक हला ए भैया तो ऐसे मार्ग ले जाए देखा झटका ना लागे ना। ठीक है ठीक खाए पिए जाए ना कल पापा। ठीक ठीक हाँ बाय बाय देखा छुआओ जी ठीक
अरे बापा बापा हे भैया तोरे लिए के खुशखबरी लेके आई है। का भा बच्ची? ये देखा भौजी एसडीएम बन गए। का लेवंती दौरिया एसडीएम? अरे कहां पाए बच्ची? गरे बाजार में पोस्टर चपका और चार क्लिक चला है। अरे हमारा लाल कहां भैया तू कहां गया? अरे यार का करी भैया, ये काम धंधा के चक्कर में इधर उधर दौड़त है। आज हमारे बरसों के सपना पूरा ही हमारे मेहरा भी एसडीएम बन गए। बार बच्ची हमारे घरे आते के लिए दुखिया। जय हिंद मैडम। अरे नमस्ते मैडम। नमस्ते। हो गया कि नहीं सब? हाँ हाँ हो गया। ये वाला फाइनल हो गया? वो फाइनल हो गया मैम। ये जो है इसमें थोड़ा स्केल जो है डिफरेंट लग रहा है हमको। चलो ठीक है, हम इसको देख लेंगे आने के बाद। जी ठीक ठीक। और हाँ आज मेरे घर चलना है। घर जाना है? हाँ। घर क्यों जाएंगे मैडम? कुछ काम था, चलो मिलने जाना है। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, हम आपको छोड़ देते हैं। और हाँ ये सब फाइल ना मेरे ऑफिस में रख देना। ठीक है ठीक है चलो। ठीक है। आपका घर इसी गांव में है? हाँ गांव तो अच्छा लग रहा है फिलहाल। चलिए ठीक है देखते हैं जो है। ये कौन सा गांव है? बस बस इसी जगह से जगह। यहाँ? हाँ यहाँ पे। अच्छा इधर ही है? हाँ इधर ही। चलो चलिए ठीक ठीक उधर बात। अरे यार इधर नहीं पाते हो बाइक से? आए चलिए मैडम चलिए चलिए। ए कल्लू तब बच्ची चदरा लिया जल्दी करा जल्दी करा। बारे भगवान जल्दी करा जल्दी करा भैया जल्दी जल्दी आवत जा फटाफट। पुन्नी तानी तू लौटा बल्टे पानी लेता वा। दादा दा दा मम्मी आना। हाँ भैया तार मम्मी आवत है। एसडीएम बन गए इन। देखा इतना मेहनत से पढ़ाई लिखाई के जानो भगवान सुन लेन। एक काम करा जल्दी जल्दी पानी उनी ले आई के फटाफट कुल तैयारी करा भैया लोगे। अरे मम्मी आते और देखा फूल ले आई के रखे लिया लिया पहरा भी ना बुढ़त ना हुए। हाय एक काम करा जाए एक पैकेट बिस्कुट लेके आ भैया। दारू जा दारू जा दारू जा दारू जा दारू जा। अरे हमारे भगवान धन्यवाद मालिक धन्यवाद सपना पूर कर दे है। ले आ मलवा लिया। हाँ हाँ देख देख कहाँ पहुँची। देख मम्मी तोर दिखाता अब तो यही कहाँ रही है इन। अब मम्मी आता हाँ वाह। अरे साहब नमस्ते। मम्मी नमस्ते। अरे यार अरे दूर दूर हटो क्या कर रहे हो तुम? का साहब कैसे हमारे मेहरारू से मिले बिना रोका था? मेहरारू नहीं अब ये एसडीएम हो चुकी हैं। चलो उधर हटो। चलो 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 हटो बैठने दो। चलो अच्छा अच्छा बैठा बैठा साहब बैठा बैठा ये देखा जल्दी कहाँ बिस्कुटों के से ना ले जाए। बैठा जा बैठा साहब बैठा और धनिया जा और धनिया जा और धनिया साहब। अरे राम राम क्या कर रहे हो यार तुम बेवकूफ हो क्या एकदम से हैं? क्या कर रहे हो तुम? जाने दो ना साहब हमें खुशी मिलत बाटे। हम इतना मेहनत करके अपने मेहरारू के एसडीएम बना दे साहब हमार सपना पूर कर दे भगवान। आज हम दिन में तारा देखत है। अरे यार थोड़ा छोड़ के बैठो तमीज है तुम्हारे अंदर कुछ है? क्या कर रहे हो तुम? है ये सब क्या कह रहे हैं यार? अरे तू कुछ बोलबो कल्लू मम्मी। मैं क्या बोलूँ मैं तो ड्यूटी पे हूँ। अरे ड्यूटी का घना ड्यूटी लगा ये इस समय ड्यूटी पे है आपसे मिलने आई है ठीक है। हाँ। अभी कल से इनका ड्यूटी शुरू हो जाएगा। हाँ। ये कल निकल जाएंगे अपने घर से यहाँ से ठीक है। अच्छा दो मिनट शांत रहो। अरे हमार कल्लू मम्मी का बताए तो बिना हम कैसे रहे तो मन ना लगा था। एकदम चला तुरंत एकदम ये पहले खटिया पे क्या करना भाई जान जानते हो ना समझाता है। रुको अभी देख नहीं रहे हो बगल में बैठे सब। कल्लू मम्मी अभी एक कुल करूँ तो हम बिना हम कैसे कैसे रहे हमें जाना थे इतना दिन। हम भी तो नहीं थे तुम्हारे बिना। अरे यार तुमको कुछ सेंस है कि नहीं है? अरे का साहब ये आपके पति हैं? हाँ ये मेरे पति हैं। तब का साहब ढक्कन दिखाते हैं। पापा बिस्कुटवा ना दे उधारे। अरे यही कुल बोले एक काम कर सादा पानी दे सादा पानी पियाओ सादा पानी दे। रहने दो पानी नहीं पियेंगे ठीक है।
अरे क्यों नहीं पियोगे? नहीं 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 साहब, पी ले साहब, पी ले साहब। अरे यार हटाओ इसको, पानी हम नहीं पियेंगे। मैडम सुनो, हटाओ, चलो इधर हटो, पानी लेके तैर रहे हैं जो है। इज्जत से बात करो, मेरे पति हैं। हाँ हाँ साहब, इनकर बता रहे हैं। जी मैम, तो ये हम कह रहे थे क्या? अभी ड्यूटी का वक्त हो गया है, हम जा रहे हैं, ठीक है? आप सुबह 9 बजे तैयार रहेगा, हम आके आपको पिकअप कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, और हाँ जल्दी आके मुझे रिसीव कर लेना। ठीक ठीक मैम, कल चली जाब ड्यूटी, अब ज्वाइन रहना, और थोड़ा इनसे बच के रहिएगा। अच्छा ठीक है, चले चले मैम। ठीक है, पानी पी ले, सादा पानी रहने दीजिए। रहने दो अपना पानी, चलो। मेरा फाइल तो देते जाऊँ? हाँ। अरे यार दे तो फाइल दे। चलो ठीक है, बाय बाय। अरे कैसान बाय बाय कर रहा था। अरे वो लोग मतलब साथ वाले हैं ना हमारे, साथ वाले हैं। ठीक अच्छा है, हाँ बता रहे, भुला जा पिल्ला पाइयो, बता रहे भुला। अरे तो आगे हम कैसे भुला सके थे। और बतावा तब काले चली जाबू? हाँ कल चली जाब, कल मार ड्यूटी है, अब तू टेंशन झिल्ला जा ना। मम्मी हमने नया नया कपड़ा दे बुने, अब तो लोग नया नया कपड़ा जौन काबा तो के तौल लिया के देख। अरे अब तुमने काई टेंशन लेते, अब तुमने एकदम बड़ा स्कूल में नाम लिखवाई। हाँ। अब तोर मम्मी एसडीएम बन गई। अब और हाँ, तू अपन अब काम धंधा छोड़ दा। आए? काश के जौन आज भी हम बना है, हम तोहरे बदौलत बने है, तू हमें मेहनत करके बनाए है। अरे हमारी रानी, तोरे नाय बीबी सबके भगवान दे, दुनिया सब तोहरे नाय मेहरारू पावे। और हाँ, अब आज तू काम धंधा न करबा, ना करब मार करे जा, अब के तब ना काम धंधा करब, अपने रानी जो नो एसडीएम बना दे, इतना मेहनत करके तब कहीं कौन काम करब। ए मम्मी, अब भैंस बचवा दे। कुल बचवा दे बहन, हमार मोजा सड़ गया, वो के नया लगाए ने। मोजा ले लेबे तो के जोन काबा तोन तो के लिया के। हाँ, हे हे हे, एक काम कर, पहले तुरंत जो मम्मी के साथे कुछ लपट बनवाए, पहले मम्मी नाश्ता वास्ता करा, दाम धई दे, दाम के धई दे, और तू जा, तू चला घर में आराम कर ले। अब कहा करे करे जा, कहा था मैं बना दे, जाए हमें। नहीं नहीं, बहुत दिन बाद आओ थी ना। अच्छा ठीक ठीक, रुका। हे हे, मोबाइल कहा तेरे, मोबाइल मोबाइल, मम्मी तो डीएम बनी देख के सेल्फी लेके। मेरा फोन, फोन हम अपन कहाँ धरे। अरे हे भैया, खुशी भुलाइए, रुका रानी, एक के सेल्फी ले ली हमार मेहरारू एसडीएम बनी बा, फेसबुक पे लगाई रील। एक तन के ना चुम्मा देत रहा, माने सटाव जी लड़कियन सामने खाली लम्बे से। अब एक हम स्टेटस लगाई हमार मेहरारू एसडीएम बन के, जा जा तू कुछ खा पी ले, जा। का खावा तू? तू जा, आज हम तो के अपने हाथ से बना के लिए। का खावा? का बनाइबो? का खावा? जावन तू आलू पराठा बना दे। आलू पराठा? हां जा, चला ठीक भैया बना दे। जा 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 जा, तू भी मदद करा, जा 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 जा। बारे भगवान, हमार मेहरारू एसडीएम बन के, धन्य हमारे प्रणाम भौजी, सुने एसडीएम बनी है। अरे खुश रहा चिन्हत है, मैं जोन छोड़े रे भौजी के। अरे यार तुझे हमारे गांव देश का आदमी काहिं ना चिन्हत भैया। भैया 1000 मैटर रहा, फंस गया हुआ है। किताक मटर वो जमीनी का रहा। अरे तू टेंशन जी ले, हमार मेहरारू एसडीएम बन गया। हां एकदम तत्काल। एक अल्लू मम्मी, पुन्नीक मम्मी आवत है ना, आवत है ना, बहुत मेहनत कर रहा भैया। अरे भैया कहां जी, मैडम जी प्रणाम। खुश रहा, पहचाना था मैं? अरे एकदम पहचाना थे ताके। बैठे भाभी जी, हम आपके मैडम कही कि भाभी कही? तोहर जौन इच्छा कहे तौन कहा, फिलहाल हम मैडम है तो मैडम कहा। हाँ हाँ मैडम है, तनी इज्जत ला। कैसे इज्जत ला? अरे इज्जत करा, इज्जत करा, गड़बड़ाइए, इज्जत करा। मैडम जी, मैं का समस्या तो बताइए। बतावा का बात? बतावा बतावा। मैडम जी, वह रजयगंज वाला हमारा जमीन रहा, वही मैटर फंसा। अच्छा 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 अच्छा, का मैटर फंसा रहा? जमीन के वह मैटर रहा। अच्छा अच्छा, रजयगंज रजयगंज। माने जमीन में पहले मैडम जी कर लूँ, मम्मी क्लियर कर लें, मैटर वह का फंसा है वह। मतलब फैमिली विवाद रहा, जमीन उमीन के वही में झगड़ा वगड़ा चल रहा। तो मालिए चढ़वावे का कि वरासत करवावे का? वरासत करवा। अच्छा वरासत वाला मैडम, समस्या खाल कायदा बेचारा, यो एक बार लिफ्ट दे रहा भाई, तब ने गाँव वाले जनही कहा मुत्तन मेहरारू एस डी एम बन गया है। हेलो, हाँ मैं लेवंती दौरिया बोल रही हूँ। अरे डीएम बता दे। अरे वो फाइल नंबर रहता है। अच्छा अच्छा, कुल्हील पर यहन का फैक्ट्री भेकपाल कहाँ पे है, बात करो मेरी। हेलो, हाँ नमस्कार, कहाँ का मैटर है? मैडम रजयगंज। रजयगंज 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 का कोई मैटर है?
हाँ उसको पहले भी तुरंत देखिए। हाँ उसको आज फाइनल करके बताइए मुझे कॉल करके। हाँ कहे नहीं तो हम गणियम डंडा कह दे। अच्छा अच्छा गलती। हाँ उसको देख के मुझे बताओ तुरंत अभी। ओ मैटर सॉल्व हो जाना चाहिए किसी भी कीमत पे। हाँ कहने अंगुरिया दे। ठीक है रखो ठीक है तार काम हो जाए। हाँ हाँ एकदम घबरा जाए तनी देखा दवा का जला तो तार पर उठवा। ठीक है मैडम धन्यवाद हम जाए। अरे ऐसे जाबा बोले कुछ लाए हो कुछ का कुछ मैडम जाना था। ये मैटर में कितना लगा था? कितना कम से कम 4-6 लाख तो खाली एक मैटर सॉल्व करने लगा था। अच्छा हाँ तब तू गांव का या 2 लाख में हो जाए। मैडम इतना पैसा तो ना हमें लगे। हाँ तो चलो 1 लाख दे दा गांव का या तब छोड़ देती नहीं तब दूसरे के तो खींच के ले। मैडम 1 लाख धन्यवाद मैडम जाए तब। हाँ ठीक बजा देख ले मैडम। ठीक बजा हम देख ले मैम। गैन का? हाँ गैन आए गैन। अच्छा चलो ठीक बात है। कहाँ था इन्हें क्या कहा थे फाइलियम का इधर उधर कर लूँगा तनिस नमो उधर लिख दी ये का नाम नहीं क्या। अच्छा ये कहा था इन्हें तू आलू पराठा बना के खा ले और बच्चे उच्चे के कहते थे तनी हम जाए गांव में तनी टहर वहर तनी सबके बता दी हमारे मेहरारू आ गया SDM बन के। अब आके सब यहाँ के घेर लेना। अरे कौनो दिक्कत ना पगली तनी सब देखा है हमारे मेहनत के फल जौन हम पसीना बहाए है तरे ऊपर के सब देखा है। हाँ जौन वो कितना मेहनत से SDM बनाए बा। ठीक परोठा खाया? अरे तू खा ले करे जा हम खा ले जाई। ठीक इतना खुशी? अरे अबे कितना खुशी हो कि बस चलत ना फार के जौन दिखाई देता अरे बप्पा बार ऊपर दिखाई दे। ठीक और हाँ आज तो ये कपड़ा न पहन बा एकदम रानी चला खादी भंडार कपड़ा ले भाई। ठीक चला ताकि ना अच्छा कपड़ा लेके आए लीलन के। ठीक हम गांव तहर कावत ही बताई। ठीक हम परोठा खा जाती आओ। अरे ये क्या है पनबोदर? हे पनबोदर जय हिंद सर। जय हिंद। ये तुम्हारे मैडम का बिस्तर है क्या? अरे साहब रतिया भर जागा रहे हैं। क्या कर रहे थे रात में बोलो। अरे मेहरारू आए बहुत दिन बाद ना। मेहरारू आए हैं ना छुट्टी ले लो 2-4 दिन का यहाँ आके सोइए मत। ठीक है ये थाना है पुलिस थाना है तुम्हारे बाप का जागीर नहीं है। ठीक है ढंग से काम करो। और अभी हम जा रहे हैं मैडम को लेने और जो है तुम जो भी काम है जो भी रिपोर्ट हो अपना लिख के रखना। ठीक है ठीक साहब हम अभी आ रहे हैं 1 घंटे में हम। ठीक ठीक आओ बैठो साहब। आज खर्चा कर बे। खर्चा और क्या हरदम दौड़ते रहा खर्चा एक नहीं करेंगे। शांति से बैठो। देरे चप्पलों मुक्ति करे जाते हमरा से बे गंदा हो जाए ना हमार हां हमरा से बे गंदा हो जाए। हां पापा का कह रहे हैं हम काकर का कह रहे हैं एक तो चप्पल लिया है दोनों जने पहने हम निकाला माने ना हमरा से भाग जाए। अरे अरे का कहां था इतने जान हम जल्दी से कर दे हमने रे हमरा से बे का गंदा हो जाए ना हमार हरी जुला दे फट फट। मम्मी देख ये चप्पल ना देत हैं। हां मम्मी से बता हमने मम्मी हम चप्पल ना दे प्लान ना इकने ले ले। कर रहे हैं? हैं? क्या कर रहे हैं कि? चप्पल मांगता है साहब ना देते हैं। चप्पल मांग ये तुम्हारी मम्मी कहाँ गई? घरे में। बुलाओ। मम्मी रे। हे साहब बुलाओ थान। बुला बुला जी। क्या मैडम तैयार हो गई? तैयार कहाँ गई बिट मैं नहाई भी नहीं हूँ। अरे टाइम तो देखो कितना टाइम हो रहा है अभी आपका ड्यूटी चल रहा है तब अभी आप नहाए धोए नहीं हैं? अभी मैं तो अभी सो के उठ रही हूं। हमें लगता है आप अपने पागल पति के चक्कर में परेशान हो गए हैं। तैयार हो जल्दी। पति के चक्कर में परेशान नहीं हूं मैं अभी आती हूं फाइल लेके। एक काम करिए फाइल जल्दी से लेके आइए। चलिए अपना चेंज अप वहीं कर लेना। ठीक है चलिए ठीक है। मम्मी नहा सकते आप जो ना लेट हो जाएगा बेटा मैं अभी आती हूं ना। चलो ऐसे चलो चप्पलवा दे रहे ले लेके। ए ये कहीं चप्पल है तुम लोग के पास? हां दवाई दे। निकलो निकलो ऐसे निकलो दो ऐसे पेश आते हैं बच्चों से? अरे नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं है पेश नहीं आता कुछ बोल थोड़ी रहे हैं पूछ रहे हैं कहीं चप्पल है तुम्हारे पास जो है मेरे
बेटे हैं दोनों। ठीक है मैडम, ठीक है, चलिए आप चलिए हमारे साथ। तुम्हारे पापा आएंगे, बोल देना मैं गई ना। हाँ। और तुम खाना पीना जाके खा लेना। पुन्नी कहाँ गया? इंतजार करें। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है ना। क्या मैडम है, आप छोटी मोटी जिंदगी में जी रहे हैं, इनके पापा खिला देंगे ना। पापा क्या खिला देंगे, मैं उसकी माँ हूँ ना। अभी आप SDM हो, आप ये छोटे मोटे काम मत किया करें। चलिए आइए आइए आइए। चलो कैसन कलुआ की मम्मी चली गई बिना हमें बताए, कहीं दाल में कुछ काला। नहीं 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 नहीं, हमार कलुआ की मम्मी ऐसा ना हो सके। इतना तन मन धन से हम पढ़ाई लिखाई के SDM बनाए, वो हमारे साथ कभो ना गद्दारी कैसे कर। ए कलुआ, कलुआ यहाँ भाई, तोर मम्मी कही कहा? हाँ। कुछ हमारे लिए कहे सुनाए? कुछ ना, कहीं खाना पीना खा ले, पापा ने बता दिए। अच्छा, इमरजेंसी रहा है बेचारी, अब ड्यूटी होके समारे को चली हुए। चल अच्छा ठीक है, तू उसमें खा पी ले, जा जा खा ले। महारानी चली गई, मिल ना पाए। चला फिर आई भाई, कहीं भाई ड्यूटी गए। चलिए आइए। ये मैडम आप जो है गांव गिराव के चक्कर में क्या पड़ी हैं, कहीं सिटी में अपना गांव है, सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। वही सिटी में कहीं अपना रूम ले लीजिए, जो है वही रहिएगा। ठीक है, ठीक है, बैठिए। तुम कहाँ बैठ गए, चलो नीचे उतरो। मैडम जी बैठिए 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 मैडम बैठिए। हाँ थोड़ा सटा लिए थोड़ा, हम उतरो उतरो नीचे उतरो नीचे। क्या हुआ सर, बेवकूफ हो क्या? आराम है, ऑटो पकड़ का तुम? ऑटो वाले बैठाते नहीं है सर। अरे यार बोल दो, हम SDM के आदमी हैं, बैठा लेंगे। ठीक है ऑटो पकड़ का? नहीं सर। अरे बैठा लीजिए। अच्छा उतरो नीचे उतरो नीचे उतरो उतरो नीचे। मैडम आप पीछे हो जाइए, इसको बैठने दीजिए। कहाँ बैठा है? उतर जाइए, बीच में बैठिए। चलो बैठो यार, एकदम परेशान कर दिए हो जो है। बैठिए मैडम बैठिए, अगर लेट ना होता ना मैं बैठती भी नहीं यहाँ पे। ठीक है मैडम, अगली बार इसको नहीं लेके आएंगे। हाँ चलो। करिए चलो। आइए आइए मैडम आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। कहाँ गए पनबोदर? पनबोदर ए पनबोदर, हमेशा निकल जाते हैं, यहाँ पुलिस स्टेशन से कोई मतलब ही नहीं है, कहीं गुलछर्रे उड़ा रहे होंगे। बुलाओ जल्दी उसको पनबोदर, खराब कर दिया। नहीं तैयार हो ये फाइल। ये नहीं, कहाँ रहते हो तुम, है थाने पर रहना है कि बीबी का गुलाम बन के रहोगे, है बोलो। सॉरी सर गलती हो गई, काम करने आते ना ढंग से काम किया करो। ठीक है हाँ 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 मैडम, ये कह रहे थे ना, क्या ये जो कागज है इसमें जो है ना एक लोगों का घर बन रहा है, उसमें कुछ महिलाएं आपत्ति कर रही हैं, तो उसमें आपका चाहिए? क्या चाहिए? अरे आपका मदद चाहिए, सहयोग चाहिए जो है। तो मैं चाहता हूँ कि जिसका घर बन रहा है वो सही बनवा रहा है, ठीक है, उसका घर बनना चाहिए। एक बार मुझसे कॉल पे बात करा देना, हो जाएगा, हो जाएगा ना मैम, देख लेंगे। ये रिपोर्ट लिखा हुआ है, एक लोग की जूता चोरी हुई है, बराते गए हैं। बराते? हाँ। अरे यार एकदम से बेवकूफ है हो क्या तुम, है अब जूता चोरी का रिपोर्ट लिखोगे तुम? है अरे साहब आए रहे, कहा रहे लिख दे, ना लिखे साहब साहब। एक काम करो, ऐसा वैसा केस आया ना तो हमको मत बताया करो, ठीक है, जाकर अपना डील कर लिया करो, दिमाग खराब करते। तो ये बोल रहे थे मैडम। हाँ बोलो। तुम एक काम करो, पहले ये लो, इसको लेके तुम चले जाओ कोर्ट में, ठीक है? ठीक सर। वहाँ पेशी है, इसको जमा कर दो, ठीक है? ठीक ठीक, जाओ जाओ जल्दी जाओ, 9 बजे तक उसका समय है। साहब जीरा ही का हो पूरा? अरे यार नाम है जीरा हीरा टीरा, जाओ उसको बोल देना थोड़ा जल्दी करके दें। जाओ 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 जल्दी, और 10 बजे उसका पेशी है यार, जाओ तुम। अच्छा ठीक सर। और हाँ इसको तुम देखो। जी मैम। ठीक ठीक मैडम, देख रहे हैं। ए, फाइल लो। तुम यहीं रहोगे? क्या हुआ सर? अरे यार जाओ थोड़ा नाश्ता वास्ता लाओ, ये मैडम के लिए जो समोसा लाओ और थोड़ा ठंडा वंडा लाओ। ठीक है जाओ। ये वाला केस हो गया? ये कह रहे थे मैडम। बोलो। कुछ कहना था आपसे। क्या कहना?
ये फाइल वाइल रखो, काम तो चलता रहेगा जो है। कुछ जरूरी बात करना था आपसे। क्या बोलूं? यही बोलना था कि मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं समझ रहे क्या कह रहे हो। अरे मैडम अभी ऐसे ही बोलोगे, नहीं समझ रहे हो हा? अरे छोड़ो, मेरे पास पति और मेरे बच्चे हैं दो। अरे मैडम दो बच्चे हैं, दो बच्चे हमारे भी हो जाएंगे हा? मुझे कोई इतराज नहीं है। ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, साफ साफ बताओ। अरे मैडम जान के अनजान बन रही हो हैं, ये तुम्हारे गोरे गोरे गाल, ये गुलाबी गुलाबी होंठ, एकदम से जान मार लग रही हो। पागल हो क्या? अरे पागल नहीं, पूरा पागल हो गया आपके प्यार में। बोलो क्या ख्याल है? ख्याल क्या बताऊँ, मन तो मेरा भी है क्योंकि बहुत दिन हो गए। यही तो बोल रहे हैं, तुम भी पोस्ट पे हो और हम भी पोस्ट पे हैं, तुम भी पैसे कमाते हो और हम भी पैसे कमाते हैं, हम दोनों की जोड़ी ना भगवान ने बनाई है। और तुम जो है गंवार पति जो है उसको बोलने का ढंग नहीं, हाँ 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 ये बोलता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ तुम घर पर भी मत जाया करो, हम दोनों जो है यहीं एक रूम ले लेंगे और साथ में रहेंगे, ठीक है। पागल है, घर पर जाना होगा, अगर धीरे धीरे नहीं छोड़ेंगे तो एक झटके में छोड़ेंगे तो बुरा लगेगा उसे। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप धीरे धीरे जाइए और धीरे धीरे दूरी बनाइए और मेरे करीब आइए। और हाँ मेरे साथ चलना कभी भी घर पे ना, ज़्यादा बोलना मत वहाँ पे कि हाँ तुम्हारा हमसे अफेयर है। अरे नहीं जान, तुम जितना कहोगे मैं उतना ही बोलूँगा, ठीक है। बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे तुम्हारे बीच में अफेयर है कुछ। किसी को नहीं पता चलेगा, ठीक है। पक्का ना? पक्का। अच्छा कैसा लगा? अच्छा लगा, लेकिन ऑफिस में ऐसे कोई देख लेगा तू? कौन देखेगा मैडम, हैं वो गया है समोसा लेने और उसको भेज दिए जो है गया कोर्ट में पेशी करने के लिए, हैं यहाँ कौन देखा है, मेरे सिवा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है यहाँ। अच्छा इतना प्यार करते हो? इतना नहीं, इतना प्यार करते हैं। अच्छा तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है। हाँ आप ही के लिए तो बना है बॉडी। मेरे लिए बना या किसी और के लिए बनाए थे? नहीं यार ऐसे कहोगे हैं, प्यार हम तुमसे करते हैं और तुम किसी और की बात करते हो। और तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा है। अच्छा तुम उनको बहका रही हो? बहका नहीं रहे, सच में कह रहे। एक बात बोले क्या? एक बार हम तुमसे गले मिलना चाहते हैं, थोड़ा अपने कलेजे को ठंडक लाना चाहते हैं। अच्छा चलो मिल लो। ओके आई लव यू जान। आई लव यू टू हगेश। आई लव यू मेरी जान। आई लव यू टू बोली तो मुझे कभी छोड़ोगे नहीं ना? एकदम नहीं। सच्ची में? सर मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैम मेरी कसम। आपकी कसम सर। क्या ये क्या कर रहे थे? अरे क्या कर रहे थे, मैडम के बालों में कुछ चला गया तो वही निकाल रहे थे, थोड़ा झटका लग गया। लाए नाश्ता लाए? अरे सर पैसा नहीं भेजे कैसे लाए? क्या पैसा नहीं भेजे कैसे लाए? पैसा नहीं है तुम्हारे पास? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, एक काम करो। सर बोलिए। सर बोलिए क्या, चढ़ जाओगे मेरे ऊपर? यार क्या क्या करते हैं जो ये काम। इसको फाइल अंदर रख दो, रखो अंदर रखो। बाल बाल बच गए, इसलिए तुमको बोल रहे थे कि ऑफिस में सब अच्छा नहीं लगता। अरे जान तुम टेंशन मत लो, मैं जब तक हूँ कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। वो तो पता है मैं तुम्हारी हूँ ही, लेकिन ऑफिस में नहीं है, कोई देख लेता ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है जान हम कहीं बाहर मिलेंगे, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, लेकिन मुझे आज घर जाना है। घर? हाँ मुझे बच्चों से मिलने का मन कर रहा है। क्या जान तुम बार बार उसी जो है बकलोल आदमी के पास जाती हैं? मिलना होगा ना, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये नहीं मैं तुमको अच्छा नहीं लगता। अरे तुम अच्छे लगते हो, लेकिन अभी वो पति है ना, फिलहाल में उसको धीरे धीरे छोड़ेंगे। चलिए ठीक है ठीक है, अच्छा हम पहुँचा देते हैं आपको, ठीक है। ठीक है छोड़ दें? चलो थोड़ा प्यार से बोलो। प्यार से बोलें चलो, लेकिन शक नहीं होना चाहिए मेरे पति। रख दिए सर। रख दिए? हाँ चलिए ठीक है, अच्छा तुम जो है घर चले जाओ और हम लोग भी जा रहे हैं घर, मैडम छोड़ें, ठीक है। नहीं सर हमें भी लिया चलो, मैम के घर अच्छा लगता है। कहाँ छोड़ दिया यार? मैम के घर। एक सेकंड वहीं पर रहोगे? नहीं मैम फिर चला आऊँगा। चले आओ, चलो फाइल उठाओ। अरे यार
चलो आओ, चलो मैम चलो। ये इनका पीए जो है ना कबाब में हड्डी बना, दिमाग खराब करता है। जाएंगे घर घूमने के लिए। आओ बैठो, बैठिए बैठिए मैडम बैठिए। सड़क के बैठो, थोड़ा आगे जा यार। चले चलो। अरे बाप रे बाप, बाहर दुनियादारी ये दाई पारी मलकिन आ जाए, उन्हें तुरंत कह दे घर द्वार गिरवाए के पक्का बनवाए। अरे बाबा ए कल्लू पुन्नी, कल्लू पुन्नी है ए बच्ची। हाँ पापा। तैयार भैया का तन क्या गोड़ दबाव जब बनने थकाई लग गए गरे खेते तै दबाव भैया तै दबाव। दाई पारी तुहार मम्मी आए कह दे भाई फर्स्ट क्लास तुह से कपड़ा ले लें, रेड चीप के जूता ले लें, और नीरज की दुकानी पर से कह दे जो बढ़िया बढ़िया वो ले लही, सेंट ले ली हैं, जीन्स ले ली, और बाद अब घर द्वार बनवा लिया जाए तब ऐस कही जब तो मम्मी SDM बनाइए कि नहीं। हाँ पापा सही कहा थे। साहब आराम से चला, धक्का ना लगा पाओ। अरे यार चल रहे हैं ना, आराम से चलिए, थोड़ा आराम से चल रहे हैं, बोलो मत। रुक जाओ। हाँ करिए मैडम जी, जब तक बैठे रहे बड़ी गर्माहट रहा है। आ? क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर, फालतू मत बोला करो तुम, फालतू मेरा। ठीक मैडम, तो चलिए मैडम फिर कल मिलेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, ठीक बाय मैडम। बाय। दबावा जी दबावा जी, दाई पारी मम्मी आज पूरा सपना पूर होए। हाँ पापा। ते मार चढ़िए तो अब दगर दिखात होते। कहो मम्मी आ गए। अरे बैठे 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 मम्मी बैठा। और बतावा? और कुल ठीक बाटा, ये बतावा का ओए दिन कैसन बिना बताए चली गयो? आइ गए रे लेवे, लेट होता तब चले गए बिना बताए। ओके बिना सॉरी लेवे। हां मतलब रिसीव कर आइ गए। हां रिसीव। अच्छा वो माने आने आने इंग्लिश छाटे चाली कह दी बतावा, हम ही पढ़ाए लिखाए तब। और जवान साड़ी पहन गए रहे वही अभी तक पहरे बाटू। काम में इतना बिजी रहते कि हमका साड़ी चेंज करे, काम के बाहर जाए भी टाइम ना मिल पाओ। बाप रे बाप, काम एकदम बढ़िया से करू रानी, ताकि कोनो प्रकार की दिक्कत ना हो। जहाँ तू रहा तुहार नाम एकदम हेडलाइन में आवत रहा है, लेवंती दौरिया धर्म पत्नी मोतन दादा SDM। ठीक इतिहास रच के जाऊ है दुनिया से। ठीक है गर्मत हो। चलो चल मम्मी के खाना। मम्मी से कुछ ला दे। एक बात वाह, जब से SDM बनिए तो अमर गुदरी आइए हो बप्पा हो। हमारी आरिया है धनिया, हमारी आरिया खोला तनिका केवड़िया, हमारी आरिया खोला हमारी आरिया है धनिया, हमारी आरिया खोला तनिका केवड़िया, हमारी आरिया खोला। क्या बताई लड़किया से आन हो गया ना खजुआ दो दिन कर फोन आवाज बाटे। अरे आवा आवा बैठा बैठा टाइट हो रहे बैठा। अरे भाई मेरा रू हमारे SDM बस टाइट कहीं नहीं बैठे, आप सब बैठे। मेरा रू SDM है, तुम नहीं हो ठीक है। अरे तब मतलब हम ना का हमार मेहरारू है ना, कहीं ना रही भाई कहाँ है इसमें। अरे अंदरमा बाटिन बुला बुला, हम लोग लेट हो रहा जाने के लिए भी, तुरंत जाए बाटा है। और क्या ड्यूटी पे हूँ यार, तुम्हारी तरह घर की मुफ्त रोटी नहीं खाता ठीक है। बुलावत है जब आवत तब कुछ गड़बड़ी बा का। ए सुनता हूँ आई है दरोगा। हाँ दरोगा साहब आना वा।
आवत हैं, आवत हैं। क्या हुआ? आवत हैं कुछ अंगुरिया आवत हैं, चाउर साउर बीनत हैं शायद। ये नहीं, तुम घर पर रहते हो? हाँ हाँ साहब, हाँ। अच्छा अच्छा, काम क्या करते हो? काम साहब ये पॉलिश मारे थे। पॉलिश माने सफाई कर्मी बाटी साफ सफाई। जो जूता धोते हैं? जूता नहीं, कहाँ साहब तुम्हार? अरे पिए हैं। अरे पिए हो चाहे लिए हो, सेम से ना, मतलब सफाई कर्मी, मतलब जैसे सरकारी सफाई कर्मी में बाटी। हाँ हाँ, मतलब ये नाली वाली वगैरह गांव देश की जो है सफाई करते हैं, ठीक है? हाँ साहब, क्या करें, नाली का नाम लेता हूँ, डायरेक्ट कैसे सफाई कर्मी ने? अरे यार जो करते हैं वही बताएंगे कि, और सब तुम्हारा जो बताया कि आप प्रोफेशनल काम करते हैं। अरे प्रोफेशनल हम नहीं करते, लेकिन डी एम के जो ना पति है, हमारी पत्नी एस डी एम बा। तुमको कितनी बार बताया यार, तुम्हारी पत्नी जो है वो है डी एम, एस डी एम है, तुम क्या हो? है अरे का साहब, आज हम न रहा हो तो वो कहाँ से होती। चलिए ठीक है, चल क्या कर रहे हैं अभी? वो देखा थे साहब, बहुत लेट हो रहा का हो बकले लग रहा है। ओ कपड़ा बदले थे, साड़ी चेंज कर थे। लेवंती? अरे यार ढंग से नाम बोला करो, लेवंती नहीं है वो, है ना मुआ है साहब। कहा था ढंग लेवा कर, आप गलत लेते हैं। अरे नाम बोल रहे हैं यार, ढंग से लिया करो, ठीक है? जाने तो मेरे पति हैं, वो कैसे भी नाम लेंगे, मुझे अच्छा लगता है। हाँ डबर आज मोला है इनका। अरे यार हाथ हटाओ, क्या कर रहे हो तुम जो है यार? आज बोला ना हस्बैंड। हाँ हाँ हाँ, वो है हस्बैंड। कैसन कहते हाथ हटाओ के लेवंती? मतलब भाई हम मतलब अपने करेक्टर में है ना, मतलब एस डी एम है ना, वो ड्यूटी पर है, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप, ठीक है? चलिए अंदर जाइए। चलिए मैडम, लेकिन मतलब हम बता रहे, उससे ज्यादा तो आप जो ना जतावत है। क्या मैडम, कैसे आदमी से शादी कर लिए आप? ए साहब ये क्या होता, कैसे बोला था? देखिए ज्यादा मत बोलिए, मेरे हस्बैंड है ना, मैं बात कर रही हूँ ना इनसे। कहते इनका हाज मोला है, हम मैं काम के ड्यूटी पे जाए के हम के लिए उठा, हम तो से फिर आके मतलब कबो ना। ठीक ठीक मैम, चलिए अली। अरे यार चलो चलो चलिए, पता नहीं कैसे कैसे जाहिल के मार से शादी कर लेती। आइए स्टॉपिंग। अरे अरे हो फाइल फाइल ये भुलाइन। ए ए लेवंती, लेवंती बताबल, इतना उतलान है कि जो ना मतलब आवत देरी ना है, बैठावत देरी ना है, लेकिन भागन दौड़त की गाने का इतना मोट फाइलिम का उमार कुल रानी लिख लिख रखे हैं। अरे बप्पार बप्पा, दमोदर 6 लाख का, चौकू 375,000। अरे कुल का लिखा, लेऊ बीर 283,000। अरे बाप, प्रहलाद गावड़ी 393,000। अरे पप्पा पप्पा, कहीं हमार लेवंती घुस उस ना ले थे का हो? नहीं नहीं नहीं, हमार लेवंती ऐसा ना बाटे, हमार संस्कार बम्मा। लेकिन इकुल पैसा किताब ने लिखा हमारे समझ में ना आया होता। अभय देवा नहीं तो मान लो पहले फार्म में रखा जो काम वम करे है। संतोषी देवी 2,45,000। अरे चौकू 52,52,00,000। अरे पप्पा पप्पा, इतना कुल घुसले हैं का होए? अब करणवा बढ़ा कि ना देखी। बताओ इतना लेट हो रहा है, तुम लेट कर रहे हो, ये बताओ क्या
तुम पेटी भर के भतार से इतना मजा ले रहे हो और मेरे दिल पे क्या बीत रही उसको नहीं सोच रहे हो? अरे यार तुम नहीं समझ रहे हो, कितना भी है तो मेरा भतार है, उसके सामने तो एक्टिंग करना ही होगा झूठा मूठा। लेकिन मेरे दिल पे क्या गुजर है उसको नहीं सोचती तुम? तो उसको कंट्रोल करो ना, उसको धीरे धीरे छोड़ेंगे ना, एक बैग तो नहीं छोड़ेंगे ना। कंट्रोल मैं नहीं, कंट्रोल तुम करो, उसको छोड़ो और मेरे साथ रहो, चलो। अरे बाप रे बाप, करोना तोड़े के चक्कर में कुछ दूसरा आइटम देख ले। हे या भौजी टका टक करवावत हैं, चलते भैया बताई थे। सुनो तुम उसका चक्कर छोड़ो और मेरे साथ रहने का प्रबंध करो, ठीक है? जानते हो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को भी देखभाल करनी चाहिए। सुनो अब बच्चे वो तुम्हारे नहीं, अब हमारे बच्चे होंगे, ठीक है? आओ चलो। ओहो अब चलती भैया बताई। का करे लागा हल्दी सावा? आओ ठीक है, ठीक है। हाँ अरे यार तुम अभी गए नहीं, तुम्हारा वेट कर रहे थे सर। वेट कर रहे थे? कैसे जाते, क्या कर रहे थे सर? क्या कर रहे थे तुम, हमारा इंक्वायरी करोगे? हैं इंक्वायरी करोगे? नहीं सर, तमीज से रहा करो, ठीक है? चलो यार बैठो, चलो बैठो, बैठिए मैडम बैठिए। और सर को चैन बंद ना होत बाटे। अरे अरे मुरी माहिर, इतना पैसा, अब से एक निशात 1,24,000। भैया भैया रास्ता में भौजी देखे जा रहे ना, एक केस बेटर रहा और के आदमी रहा करके गंदी पहन रहा और रास्ता में देखना टका टक टका टक होत रहा। हाय हां टका टक, हां हुई होत रहा टका टक। अरे के माने ना चुम्मा दे रहे। अरे चुप रह, इज्जत जा कहीं हमारे छोड़े थे गांव के, होस बता दे। भाग 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 भाग। ओहो माने इतना पैसा, चला लेवंती अब रुका, पहले हम तोहार पाछा करी। तब भाई हमारे समझ में ना आवत, तू आवत है भागत है, आवत है भागत है, पहले हम पाछा करी। एक के सामान पहले रख दे तब हम जाई। अरे पप्पा पप्पा कुल मिला तो ना घर छोड़ कर तब जाया जीन। देखी पहले का टका टक होत बाटे, नौकरी करत हैं कि कुछ दूसर होता। कहाँ गए टका टक करवावत? चल बसंती आज इज्जत बात बा हमारे। अरे पप्पा रे बहुत गड़बड़ हो जाए आज, हम जल्दी चले। देखिए साहब नमस्ते। नमस्ते साहब, हमारे मैडम कहाँ गई? ऊपर है सर के साथ। क्या काम है? अरे साहब बहुत जरूरी बात है, रुको हमें जाते। अरे कहाँ जा रहे हो? जाते साहब बहुत जरूरी बात है। अरे नहीं जाना है सर, मने किए हैं। साहब का हो बोल। अरे थोड़ा मीटिंग चल रही है, बहुत जरूरी बात है, मन मिले को साहब ना। अरे अरे सर मने किए थे। और जान? और ठीक है। ये बताओ क्या तुम इतना देर कर देते हो आने में हमसे मिलने में? काम इतना रहता है तो क्या करें? काम रहता है और क्या। तब तुम्हारे ये नशीली नशीली वोट, ये गुलाबी गाल, एकदम से जान मार लग रही है। वो तो हम पहले से थे। तुम भी किसी से कम नहीं हो। और बताओ और सब जो है तुम्हारे सामने है। तो ये बताओ शादी हम कब कर रहे हैं? अभी डिवोर्स लेने के बाद। डिवोर्स कब करोगी? अब धीरे धीरे करेंगे ना। जल्दी करो ना, अब सब्र नहीं होता। पागल हो जल्दी जल्दी कर लें? तुम भी यार गजब गजब को बात करती हैं। क्या गजब को बात कर रहे हैं? थोड़ा जल्दी करो, उसको छोड़ो, तुम मेरे साथ रहो, ठीक है? हम कोशिश कर रहे हैं छोड़ने की। क्या हुआ? कुछ नहीं। मीटिंग हो रही थी, गड़बड़ा तो नहीं? अरे छोड़ दे रे, पूछे थे ससुर बैठ के, बर्बाद है ये। ना ना दूध लड़कियां बने वहां ये नहीं बब्बा रे। हेलो हेलो,
हाँ जी कौन? अरे हम बोलते हैं कैसे बाटू? हेलो हेलो हाँ कैसे बाटू? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कौन हो? अरे हम बोला थे कलुआ पापा। मुझे नहीं पता कौन कलुआ पापा, मैं नहीं जानती। हाँ अब ना जानबू, पढ़ाई लिखाई के मेहनत मजदूरी करके एसडीएम बना देना, अब ना चिन्हबू। देखो ज्यादा फालतू मत बोलो। फालतू का जनो जनो थाना जाते है जनो वहाँ मना करवा देता हूँ, फोन कही कही जनो मार केस ना लिखा बाटे, और जनो वो तू बड़की अब पढ़ाई लिखाई जनो तो हमें बना दे नौकरी चाकरी पाएगी तब भुलाई जाऊ बदल जाऊ। देखो जब तुम मेरे पति थे तब थे, अब कुछ नहीं हो मेरे तुम। अच्छा माने जौन हम गाड़ी पकड़ खटत रहे जौन कुकुरन गिनाए पूरा तोहार हर एक डिमांड पूर करे, परीक्षा से पढ़ाई से लिखाई कपड़ा लत्ता कुल पूर करे, आज नौकरी पाई को देकर मतलब हम कुछ ना रहिए? अरे बप्पा बप्पा करे दुष्टवा तोरे लास्ट शरम ना लागत, ना ना दूठ लड़कियां हैं, कम से कम तन लड़के मन मुंह देख। मेरे पास कोई बच्चा नहीं हो, तुम्हारा बच्चा था तुम्हारे पास है, और हाँ ज्यादा पकड़ पकड़ करोगे ना वहीं उठवा दूंगी जहाँ पे हो तुम। आए उठवाए क्या कर बे हम मारते हैं, आए के जान में फेंक दूंगी तुम्हें काट के, मतलब मरवा दे बे मैं। हाँ मरवा देंगे। अच्छा अब एसडीएम बन गया बहुत बुद्धि आए, बोल ल कौनो बात ना, भगवान है कबो दुख सुख आवत जात रहते कबो दिन बना तो रात हो घबरा जिन, तू एसडीएम बने के बाद बतावा बदल गया, नान नान दूठ बच्चा है हम मेहनत मजदूरी कई कमाए की है रज के बतावा हो दिया लाए बटे करे हम कहा जाए लड़कियन के लेके। हेलो कौन है? मेरे पास टाइम नहीं है। हेलो लड़कियन के लेके कहा जाए हम? सही कहा रन गाँव वाले, सही कहा रन, तू इस फंसी है हमें शंका रहा। जैसे फंसी हो तो और खुद ही जीव जाना तो है। हाँ मेरा जी जानता है मैं किसी फंसी हूँ तुमसे नहीं मतलब है अपना। अरे पगली कम से कम नान नान दूठ लड़कियाँ हैं उनने माया कर रहे हराम खुरवा। मेरे पास कोई बच्चे नहीं है। अरे जवान पैदा कर चिल्लात रहू छटियात रहू। दूसरा पैदा कर लेंगे हम। अरे रामखोर काहे के इतना जानो इतनी बड़ी बेवफा निकल गई है, हम तोरे लिए दान रे तोरे लिए रात दिन एक कह देता ऐसे बदलिए पैसा देख के। पैसा देख के क्या, हमारी मजबूरी थी जो तुम्हारे साथ में हम थे और तुम्हारे जो बच्चे थे, और अब अपने तुम बच्चा देखो और तुम अपने आप को देखो, हम दूसरा बच्चा पैदा कर लेंगे, है हिम्मत मेरे पास? अच्छा माने अब हम कुछ ना रह गया है? नहीं हो कुछ, जब थे तब थे अब नहीं हो। अगर तो ऐसे न मन बना तो हम थाने जाब दूसरे थाने जाब आदित्यनाथ योगी जी के पास जाब सीएम जी के पास जाब अपन हम दुख सुनाई। तुमको जहाँ पे जाना है जाओ, और मेरा ज्यादा दिमाग खराब करोगे ना जाब वही तुमको मरवा देंगे हम। तू हमें मरवा देबु, हम तो रंगे आते पकड़े आई हम जाब सीएम किया जाब है श्रीमान आदित्यनाथ योगी जी किया जाब है अपन दुख सुनाई। हेलो हेलो काम पापा काम है पापा कुछ बतावा। ये दुनिया प्यार का किसे, ये दुनिया प्यार का किसे, मुझे जब भी सुनाती है हो तेरी मम्मी याद आती है, तेरी मम्मी याद आती है। काम पापा आखिर काम ताई बिटवा लोगे तो और मम्मी धोखा दे बहुत बड़ी। कैसा पढ़ाए लिखाए इतना मेहनत से मजदूरी से तूरी करे
एसडीएम बने के बाद बुलाइए हमने भैया तो मैं कहा था कि नाची ना तय मैं कहा तुम रास्ते से अर्जन मरवा दे भाई मम्मी कहा था अरे एक काम करो एक कर लू जीरो जीरो भैया मैम जीए थी पगला जीरो तो ना जीरो जो फाइल लेके आओ मैं पूरा हम हिस्ट्री लिख के रखे कहाँ कैसे कैसे खर्चा खुराबा कितना पैसा खर्च करे कुल लिख के रखे लिया लिया हम जाते थाने पे अगर मार सुनवाई होएगी तब तो ठीक है अगर ना होए हम सीधा जाबे श्रीमान आदित्यनाथ योगी जी के पास अपन हम दुख सुनाए जो बच्ची लेके आओ लेके आओ चुप रहा भैया चुप रहा कहा कर वो किस्मत बलाल ना जाए तो हर मम्मी धोखा दे दे एसडीएम बने के बाद बहुत सपना सजा रे मालिक जाए तुझ पर रोजी ने काम करे तुझ पे खाना खा ले और स्थिति परिस्थिति आवत रहा तो भैया हिम्मत ना हारे कि अगर दिन है तो कभी रात हो अब रात हो तो दिन हो भैया टेंशन जी लो ठीक हो जा जा हम जाते थाने पे अगर वहाँ सुनवाई होगी ठीक हो नहीं सीधा जा श्रीमान आदित्यनाथ योगी जी के पास चप्पल लिया हमारे पहले हम जाए जा 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 खा पी के घर है राज जा हेलो हाँ एसडीएम साहब हाँ हाँ आई हैं था मैं रिपोर्ट लिखे अपने ठीक है हाँ नहीं बाप का भाव साहब हम बहुत परेशान आदमी हैं साहब हमारे अरे का भाव बताइए बे साहब हमारी रिपोर्ट लिख दें जैसे साहब का तब रिपोर्ट अरे कमान रिपोर्ट लिखी बताओ बे साहब बहुत करुण गाथा बात साहब हमारे हम बहुत गरीब आदमी सफाई कर्मी भाई साहब हमारे पास दूट है तोता मैना बहन मतलब हमारे दूट बच्चा भाई साहब मेहनत से अपने मेरा रुख कमाए और पढ़ाए लिखाए अपन शरीर गिरवी रख दे खून पसीना एक कही दे साहब लेकिन पढ़े के बाद वो एसडीएम बनिए मैं छोड़ दे साहब धोखा दे दे दूसरे पढ़िए साहब रिपोर्ट लिख दे ऐसा ना उन्हें रिपोर्ट आज लिखाई ना पा जाने काहे के साहब आज हमसे खाली ना है दूसरे केस में बिजी भाई जाने नहीं साहब कम नु भाई कर निकल 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 अरे नहीं साहब गरीब आदमी है साहब साहब मना कर रहा ना जा जा रिपोर्ट आज ना लिखे पा जा निकल चल चल निकल निकल चल चल कुछ कर रहा कुछ कर रहा साहब मना कर रहा ना नहीं साहब गोर चल भगा चल 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 कहो वही रहा का हां यार वही रहा रुके एसडीएम साहब फोन लगा बतावा थे बताइए बताइए हेलो हाँ एसडीएम साहब तो हर आदमी आ रहे हैं रिपोर्ट लिखा अभी तक हाँ रिपोर्ट लिखे ना हाँ हाँ भगा दिए ठीक है तीन नंबर कैदी देखा कहाँ लिस्ट बा होकर खोला था को वो जो गाँव में पेड़वा कटत रहा कुछ होकर रफा दफा भा भाई साहब जानते हैं कुल गांव का हाल बात कुल सही बा कटत पीटत बा चला सब ने हाँ कोनो दिक्कत ना होने कोनो दिक्कत ना मार झगड़ा ना करे हैं साहब अरे रोना बंद करो यार समस्या बताओ क्या दिक्कत है बहुत समस्या बा माई बाप बोलो क्या समस्या है साहब बहुत गरीब आदमी है बहुत मेहनत से साहब हम अपने मेहरारू पढ़ाए लिखाए हमारे दूठे अंडा बच्चा है साहब मतलब दूठ लड़कियां हैं मेरा रू साहब और पढ़ लिख के एसडीएम बनी हम छोड़ दे साहब इतना ज्यादा दिक्कत हाँ साहब हमारी रिपोर्ट लिख ले साहब हम एकदम परेशान भाई साहब साहब वह वाला केस है समझ बूझ के ठीक ठीक कार बहुत गलत है कैसे पूछ पढ़ा रहे हैं साहब अब साहब कैसे पूछ पढ़ाए साहब दूठ नाना लड़कियाँ हैं साहब हम गरीब आदमी सफाई कर्मी में हमके अगर पढ़ा लिखा दे हमारे मेरा कुछ बन जाए दिल लौट जाए तब हम साहब अपन शरीर गिरवी रखे होके पढ़ाए साहब अरे यार रोना धोना बंद कर क्या सबूत है तुम्हारे पास सबूत साहब बहुत भयंकर एम्मा कॉल रिकॉर्डिंग है साहब एम्मा हमें कहा हम मरवा दे बताइए रास्ते से हटा दे एम्मा जितना जितना आदमी घुस ले साहब पूरा रिपोर्ट बांटे एम्मा पूरा बायोडाटा बांटे देखे देखा साहब पूरा हम सबूत लेके आए साहब देखा या देखा साहब कैसे कैसे या देखा 6 लाख एक बाद या देखा साहब
3 लाख। बात तो सही है, पैसा बहुत लगाया है, पर मैटर तो बहुत बड़ा कर दिया है। देख लो साहब, ये कुलवा साहब हमारे साथ अन्याय करे साहब। अरे अन्याय करे साहब, भुलाइए। नहीं लिखाएगा आज, आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, कल आना लिखवा लेना, ठीक है? अभी चलो बांट लो साइड हो, चलो कल आना। जाओ, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, छोटा मोटा मैटर लेके लिखवाने जाओ करते हैं। हेलो, हाँ नमस्ते SDM साहब। तो हर आदमी आ रहे हैं, रिपोर्ट लिखवाए, लिखे ना आए, डांट भगा दिए। हाँ जी, हाँ भगा दिए इसको। ठीक ठीक, वो पेड़ वाला मैटर साहिब है। अरे भाई नाई साहब, बहुत बजान बा, चल एक पर देख, एक पर चल, एक पर हाँ चला तो देख जाए। चल चल, हम बर्बाद हो गए। हमार के तो रिपोर्ट ना लिखाट गा करी भगवान। एक काम करी, अब डायरेक्ट चल श्रीमान आदित्यनाथ योगी जी के लगे, अब आप दुख सुनाई तो हमार समस्या घर नहीं करे। खनन विभाग। हाँ बाबा जी, तोहरी ओरी चलत बा सब ठीक ठाक ने? बहुत बढ़िया चलत था, कौनो दिक्कत ना है, चोरी चकारी ओवर लोड फोबर। रुक जाओ, रुक जा, रुक जा, आराम से, अरे उठा भाई, आराम से। कहाँ सावत है? अरे बाबा जी, हम उत्तर प्रदेश जौनपुर जिला ग्राम ताजुद्दीनपुर हम यार के से आवत है बाबा जी। चेक करो पहले, कुछ ले हुए इतना है? अरे ना है बाबा जी, एकदम चेक कर नीचे ऊपर पूरा है बाबा जी, देखा वाला जिंदा बाबा जी, बहुत परेशान भाई बाबा जी। बैठा है हराई के ऐसे जाए बाबा जी। अरे यार पीछे जा, आराम से जा, आराम से बाबा जी, बाबा जी पीछे कहीं जाए बाबा जी की इंसान क्यों है। बाबा जी हम बहुत परेशान बाटी बाबा जी, का समस्या है? अरे बाबा जी बहुत बड़ी समस्या बाबा जी। आराम से, आराम से, धैर्य से काम ले, का दिक्कत पड़ गई? अरे यार पढ़वा में रोइबे करबे बताइबे करबे, बतावा भाई अपन परेशानी बतावा, का दिक्कत बा, कहाँ से तू कितना पढ़ाई लिखाई करे है कुछ बताइबे। बाबा जी हम बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं करे, बहुत गरीब आदमी है बाबा जी, हम सफाई कर्मी बाटी बाबा जी, हम अपने मेरा रूप पढ़ाई लिखाई पूरा खून पसीना एक कह दे बाबा जी, अपन शरीर हम गिरवी रख दे बाबा जी, मार मेरा रूप पढ़ लिख के जब SDM बनिए बाबा जी, हम मैं छोड़ दे दूसरे पटिए। बाबा जी हमारे कदम सुनवाई ना हो बाबा जी। सही कहा था तू बाबा जी, अपन कसम खाई का थी विद्या माई कसम। इतना ख्याल कैले है तू, एक SDM पे आरोप लगावत है, तुम्हें मालूम बाना अगर एकर उल्टा सीधा भर परिणाम तो एकर परिणाम का हो सकत है? अरे बाबा जी पूरा सबूत बाटे, एम्मा का है ना मरवा दे बजवा ना हुए, अब हमारे पास दूध पिल्ला है बाबा जी। पिल्ला मतलब दूध का देला है, पर ये बड़वा पूरा फाइल देगा बाबा जी, कैसे कितना वो घुस बताए हैं देखा पूरा, एम्मा बाव डाटा बाटे बाबा जी, देख ले देख ले बाबा जी पूरा बाव डाटा पाया मोबाइल नहीं बाटे। चल रखो बाबा जी, मेरे साथ न्याय करें साहब, बहुत गरीब आदमी हम कहाँ जाओ दूध बच्चा लेके। तोहरे मेहरारू कहाँ पोस्टिंग बा? बाबा जी हमारे मेहरारू पोस्टिंग यही इलाहाबाद प्रयागराज में बा। वो कैसे फंसी बा वो? हगीस इंस्पेक्टर है ना, क्यों नहीं फंसी है? अच्छा अच्छा बाबा जी मेरे साथ न्याय करें बाबा जी, दूध बच्चा लेके आ जाओ। ठीक बा,
थाने जाते मार रिपोर्ट का तो ना लिखा में दुख दू थाने हम गए साहब। अच्छा अच्छा चलो ठीक बाटे तू टेंशन जिन ले एकदम टेंशन मुक्त हो जा तोरे साथे न्याय हो न्याय ठीक बाबा ये आशा भाई आपसे जा आराम से जल्दी बाबा जी जा 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 सुना हो। हाँ बाबा जी एकर बढ़िया से यही केस के छानबीन करा का परेशानी बायन कर और सही तरीके से जांच कर के न्याय हो चाहे ठीक बा। हाँ केकर गलती बा के में कैसे का कलाकांडी करे तो कर न्याय करे और उनके ऊपर एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और तू राजू खड़ा है जय न्याय तय चला आवत तो तुहरे समझ में ना आवत चला ठीक होते ध्यान से काम करे अब बढ़िया से कर जितना कहा था ध्यान दे है जी बाबा जी। हाँ अब चलते हम तो आराम कर ठीक ठीक मम्मी मम्मी जिन करा भैया उठ जा ए कल्लू पुन्नी उठ पापा मम्मी आए ना है भैया तोर मम्मी ना आए कहिया आई मम्मी अब भगवान जाने तोर मम्मी कहिया आई भैया मैं लागे तबे जन्म में तोर मम्मी ना ही लाल लोगे आप देख रहे हैं इंडियन एक्टिव न्यूज चैनल मैं सीधा आ रहा हूं आफी मुत्तन दादा हैं। आपकी धर्म पत्नी आपको छोड़ दी है एसडीएम बनने के बाद। हाँ साहब हम मुत्तन दादा है हमारे मेहरारू हमें छोड़ दे बटे। तो आपका क्या किसी थाने पे रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रहा था। नहीं साहब हम दो दो तीन तीन थाने पे गए लेकिन हमारे मेहरारू जो एसडीएम बनी बटे मतलब वो मना कर देते रहे नहीं नाते कहता हूँ साहब ना लिखा रहा रिपोर्ट उपोर्ट। तो आप ये भी दिखाए हैं कि आपकी बीबी का जो कि काला चिट्ठा है वो आपके सामने है आपके पास है और आपकी बीबी का आप इल्ज़ाम लगाए हैं कि वो कई लाख रुपया कई लोगों से रिश्वत भी लेती है ये सही है। हाँ साहब मतलब जब नौकरी पाए तब मतलब सबसे अपन अब घुस लेते रहें कि का लेते रहें कि उनका उतना चार्ज रहा कि मतलब अब का रहा हम ना जानी साहब लेकिन पैसा लेते रहें। तो आप अपने बीबी को एसडीएम बनाने में मुत्तन जी ये बताइए आप अपनी बीबी को एसडीएम बनाने में क्या कर्जे लेके आप पढ़ाई करवाए थे। आप ये भी लोगों से न्यूज तरह तरह के न्यूज में आपका ये आ रहा है बड़े बड़े न्यूज वाले आपको डाल रहे हैं मैं भी सीधा आपके पास आया हूँ। हाँ। तो कितना कर्जा आप ले चुके थे आपको अपनी बीबी को पढ़ाने में। साहब हम बहुत पैसा कर्जा ले साहब हम बिल्ला राजा के यहाँ काम करी था सफाई कर्मी भाई और साहब मतलब दूठ हमारे नान नान बच्चा बाटे ना हम इतना मेहनत करके खून पसीना मतलब भाई भाई अपने मेहरारू पढ़ाए साहब बिना खाए हम काम करके पैसा जुटाए जुटाए पढ़ाए लिखाए साहब। ये बताइए मुत्ता जी जब आप अपनी बीबी से बात किए फ़ोन पे तो वो क्या मतलब वो आपके पास आने के लिए बोली कि नहीं बोल रही आने के लिए बताइए। साहब हम घर एक बार जहाँ उनका मतलब ड्यूटी लगी बैठे तब हम मतलब कुछ उल्टा सीधा मतलब देखे रहे अपने आँखी के सामने से तब फिर वहाँ एक बार हम फोन लगा रहे दोनों लड़कियाँ हमारे मतलब कहा था पापा मम्मी कब आए तब हम कहे आए तब हम फोन लगाए साहब तब मतलब फोन पर कहा था इनकी मैं तुम्हें नहीं जानती मैं तुम्हें मतलब मरवा दूंगी हटवा दूंगी। तो आपका रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रहा है न्यूज पे। हाँ साहब बात है ये बच्चे मोबाइल दे रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रहा है आप देख रहे हैं। अब मैं सीधा मैं जान लीजिए उस जगह पे आ रहा हूँ ये मुत्तन दादाजी का एक घर है अब आप जान लीजिए कि आपकी बीबी आपको छोड़ चुकी हैं। मैं सीधा इंडियन एक्टिव न्यूज चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ टोटल कहानी आप लाइव देख रहे हैं हमारे न्यूज चैनल पर। तो आपको रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए आप जा रहे हैं मुत्तन जी अब आप लोग बने रहे चैनल पे देखते रहे क्या होता है आगे। सुना साहब ये रिकॉर्डिंग बात देखा पढ़ाई लिखाई की मेहनत मजदूरी करके एसडीएम बना देना अब ना चिन्हू। देखो ज्यादा फालतू मत बोलो फालतू का जाना जाना थाना जाते जाना वहाँ मना करवा देता हूँ फोन कर जाना हमारे केस में लिखा बैठा है अरे कुकुरा निकल जाए पूरा तो अरे बप्पा अगर नाम नाम दो लड़कियाँ हैं कम से कम कल लड़के मन को मुँह देख। देखा साहब मेरे पास कोई बच्चा नहीं है तुम्हारा बच्चा तो तुम्हारे पास है और हाँ ज्यादा पकड़ पकड़ करोगे ना वहीं से उठवा दूंगी जहाँ पे हो तुम। और सुनो साहब लड़का हो जाए जन्म जाओ कहीं भी जाओ कुछ नहीं मतलब
ये देख रहे हैं आप, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, पूरी आवाज हमारे न्यूज इंडिया एक्टिव न्यूज चैनल पे एकदम रिकॉर्ड हुआ है, आपके पास पूरा रिकॉर्डिंग है कि आपकी बीवी आपको जान से मरवा देगी, ये आपने मुत्तन जी ने मोबाइल पे सुनाया, लाइव सुना रहे हैं हमारे न्यूज चैनल पर। ये बताए लेकिन आपकी एसडीएम साहिबा बीवी ये भी कह रही है कि झांसे में आके उनको धोखा दे के आपने उनसे शादी किया था। अजय साहब आप ही बतावा करो, धोखा दे बिया कर रहे थे, इतना बड़ा बड़ा ड्यूटी है सारे से लड़के डारे दिन कहां सकते हैं। ये भी बात सही है, देखिए यहाँ पे जा लीजिए रियल, आप देख रहे हैं, मैं सारी जनता को मैं दिखा रहा हूँ कि मुत्तन जी जो दिखा रहे हैं इस समय लाइव दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये दोनों बच्चे बगल में खड़े हैं। मुत्तन जी आपको मतलब सरकार क्या आश्वासन दी? साहब जो आप थाने दो तीन थाने गए वहाँ रिपोर्ट ना लिखा, तब उसके बाद हम गए जो श्री आदित्यनाथ योगी जी के पास डायरेक्ट, वहाँ उनका रूम गार्ड हलना देते रहना अंदर, कैसे हम आवाज़ के अंदर गए, तब श्रीमान योगी जी सुने नमार पूरा दुख, कहने कि तोरे साथ जो मुत्तन इंसाफ हो तो न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, आप लोग खाना खाओ बेटा। खाना खाए बेटा, तो मुत्तन जी कैसे लोग को आप खिला पिला रहे हैं? बच्चे मतलब हम तीन चार दिन खुद ही नहीं खाए साहब, वहाँ लड़के बात बासी भात कम कर खियावत का करी साहब। देखिए आपके साथ इंसाफ होगा, हम न्यूज चैनल आपके साथ हैं, आपकी एक एक आवाज़ मैं दूर तक लेके जाऊंगा, इस बात की गारंटी हम लोग लेते हैं, आपके साथ ना इंसाफी नहीं होगा। और रही बात जान से मार देने की धमकी, पूरा न्यूज चैनल आपके साथ है साहब। देखा मेरे बात दूर ना ना यह देखा पर ये पढ़वाई लड़कियाँ साहब, अगर कुछ हो जाते नहीं देखे साहब कुछ नहीं होगा क्योंकि सरकार टाइट है। आप अच्छी योगी जी पे आपको विश्वास है? अब साहब हमारे साथ है, अगर न्याय मिल जाए तो जान लग कुल ठीक बात। आप चाहते क्या हैं चैनल, चाहते क्या हैं आप न्यूज पे? हम ये चाहते हैं कि जितना पब्लिक भाई ये देखा था हमारे सपोर्ट करे, हमें जनता आपकी सपोर्ट करे, हमें सपोर्ट करे, हमें न्याय मिले। लेकिन आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आप तो यहाँ पे अपने गाँव से लेके आप खाली सरकार तक गए हैं, इस समय हिंदुस्तान की पूरी जनता आपके सपोर्ट में खड़ी है। मैं न्यूज चैनल पे हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं सिर्फ आपका ही नाम चल रहा है, मुत्तन दादा मुत्तन दादा मुत्तन 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 की पूरी केस ही चल रहा है आपका। साहब पब्लिक भाई एक भरोसे दम बाटी जनता, पब्लिक भाई एक भरोसे बाटी साहब, और मेरे पास कुछ नहीं सपोर्ट चाहे साहब। देखिए आप देख रहे हैं इंडियन एक्टिव न्यूज चैनल, देखिए मुत्तन यही है, इन्हीं का पूरा घर है, इनका परिवार बर्बाद हो चुका है, बच्चे रो रहे हैं, कई दिन से लोग भूखे हैं प्यासे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, अपने आप को गिरवी रख दिए हैं अपनी बीवी को एसडीएम बनाने के लिए। दोस्तों आप लोग लाइव देख रहे हैं, ऐसा दर्दनाक सीन आपके सामने पहली बार आए। मुत्तन का यही परिवार है जिनकी बीवी एसडीएम बनने के बाद जान लीजिए अपने पति को छोड़ दी, बच्चे को छोड़ दी। आप भी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? सीधा आप लोग सपोर्ट करें मुत्तन जी का, और आप लोग बने रहे हमारे चैनल पर। मैं सीधा एसडीएम साहिबा को भी आपके चैनल पे मैं ला रहा हूँ, आप लोग देखते रहें इंडियन एक्टिव न्यूज। हाँ आपका काम हो जाएगा, नहीं मैं उसको देख लूंगी, जल्दी हो जाएगा आपका काम। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पेपर मेरे ऑफिस में तो दे दीजिएगा। बैक कैमरामैन नीरज निषाद जी के साथ ठीक रखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे तंबाकू बना रहे हैं, एसडीएम साहब का लेवंती दौरिया जी का यही ऑफिस है, और आप तंबाकू बना रहे हैं, आप सरकारी अधिकारी हो के? अरे नहीं सर, आप सरकारी कर्मचारी हो के खैनी बना रहे हैं? ये अच्छी बात है क्या, आप समाज को शिक्षा देंगे, यही आप पब्लिक को सजेशन देंगे? जब आप ऐसे हैं तो लेवंती जी आपके कार्यालय में ऐसे ऐसे लोग ड्यूटी कर रहे हैं, और आप क्या कहना चाहती हैं अपने अधिकारी को? आप एक भ्रष्ट अधिकारी के तौर पे आपके पति सरासर आपके ऊपर इल्जाम लगाए हैं, आप शादी के बाद उनको आप धोखा दिए, कहना क्या चाहती हैं आप? एसडीएम हैं। सबसे पहले मैं क्षमा चाहती हूँ जो ऑफिस में हमारे खानी खा रहे हैं, और तुम ऑफिस में खड़े होकर खानी खा रहे हो, शर्म नहीं लग रहा है तुम्हें? ये तो पहले से मेरा दिमाग ऐसे खराब चल रहा है, और तुम ऑफिस में खड़े होकर खानी खा रहे हो, क्या चाहते हो मैं एकदम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊँ क्या? सॉरी मैडम। सॉरी मैडम, आइंदा से ऐसी गलती करना मत। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप वो जो चुनौती लिए उसको थोड़ा बाहर तो लाइए, नहीं दिखाइए बाहर, दिखाइए हम कुछ करेंगे नहीं, दिखाइए बाहर तो लाइए तंबाकू, थोड़ा दिखाइए। ये देखिए आप इंडियन एक्टिव न्यूज चैनल पे देख रहे हैं, ये वही अधिकारी महोदय हैं लेवंती दौरिया जी के ऑफिस के ऐसे कर्मचारी हैं, ये वही लाल पीली चुनौती है जो आप देख रहे हैं चैनल पे। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, इन्हीं के ऊपर यही लेवंती दौरिया जी है जिनके पति ने सरासर इनके ऊपर इल्जाम लगाया हुआ है कि आप उनको जान लीजिए बर्बाद करने की ठान चुकी है, अपने पति को मरवाना चाहती हैं, अपने पति को बर्बाद करना आप चाहती हैं, इनका दौर किस चक्कर किसी चल रहा था, सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मैडम ये बताइए कि आपके ऑफिस में जान लीजिए कि देसी हथियार कैसा यहाँ पे जमा हुआ है? सर अभी मेरी नौकरी पेंडिंग में है, तो मेरे सुरक्षा के लिए मुझे हथियार कोई भी लेना पड़ेगा। मैडम शायद आपको मालूम है आपकी नौकरी पेंडिंग में नहीं है, आपकी नौकरी जा चुकी है, और ये देसी हथियार थोड़ा हमारे न्यूज पे लाइए, थोड़ा लाइए ये देसी हथियार, ये देखिए ये आप देख रहे हैं फावड़ा,
थोड़ा मैंने पूरे गुंडाई के साथ आप ऑफिस में बैठी है लेवंती जी, थोड़ा सा आप पकड़िए भैया इसको। सर गुंडाई नहीं है, जब मेरी नौकरी पेंडिंग में है तो मुझे बचने के लिए कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा पानी पिला सकती हैं आप? नहीं पानी में नहीं, थोड़ा सा हमको प्यास लगी है, थोड़ा सा पिला दीजिए आप, थोड़ा सा। मैडम आप दारू भी पीती हैं आप? आप दारू पी रहे हैं? देखिए आप देखिए इंडियन न्यूज चैनल पे, आप देखिए लेवंती दौरिया जी यहाँ पे दारू पी के बैठी है। ये वही लेवंती दौरिया जी हैं जो आप जिनके बारे में इनके पति ने सरासर इल्जाम लगाया था, आप दारू पी के। आपको क्या हो गया मैडम, ये सब क्या उल्टा पुलटा आप कर रहे हैं? सर ये दारू नहीं है, पानी है, इसको शायद आप ध्यान से देखे नहीं है। अरे पूरा देखिए, टोटल देखिए, उसको पी के चेक कीजिए ना। अरे हम दारू नहीं पीते मैडम, ये सीधा सीधा दारू है, इसमें दारू पानी के स्थान पर दारू भर के आप रखी है। देखिए सर आप मुझे फंसा रहे हैं। मैं नहीं फंसा रहा हूँ आपको, पूरा इंडिया इस समय जा रहा है, मैं नहीं फंसा रहा हूँ। हाँ रही बात है जिस सवाल के लिए मैं आया था, आपके पति ने आपके ऊपर सरासर इल्जाम लगाया है कि आपको किसी गैर मर्द के साथ रंगे हाथों पकड़ा है, आपका सारा काला चिट्ठा खुल चुका है और उन्होंने जान लीजिए कि यहाँ तलक और जिस थाने पर जाते थे आप उनका FIR दर्ज नहीं होने देती थी, ऐसा क्यों? सर देखिए इसमें मैं कुछ नहीं की हूँ, अगर अगला इंसान गलत आता तो उसको गलत कहा जाता, मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे गलत क्यों कहा जाएगा? तो आप गलत नहीं है? नहीं मैं गलत नहीं हूँ। आप उनकी शादी हुई थी, आप उनकी बीबी है कि नहीं पहले बताइए आप न्यूज पे। बीबी थी लेकिन मेरी शादी जबरदस्ती हुई थी, मेरी मर्जी नहीं हुई थी। जब आपकी मर्जी शादी नहीं हो तो आपके बच्चे दो कहाँ से आ गए बगैर मर्जी से? वो मेरी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? मतलब मेरी शादी मेरे माँ बाप की मतलब जबरदस्ती हुई थी, मेरे मन से शादी नहीं हुआ था ये, और बच्चे रहे तो अब शादी के बाद बच्चे तो सभी होते हैं। तो शादी के बाद बच्चे होते हैं तब आपने इसका विरोध नहीं किया, और आज कैसे विरोध SDM बनने के बाद? हाँ तो मैं पहले कुछ भी नहीं थी, मैं आज SDM हूँ तो मुझे अपने जीवन का निर्णय लेना पड़ा। मैडम जानती हैं आप, आपकी वजह से कम 470 महिलाओं की जीवन बर्बाद हो गई। उन पतियों ने अपनी बीबी को IAS की तैयारी करवा रहे थे, पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे, और जब आपके इस रवैये के कारण उन्होंने अपनी पत्नियों को घर बुला लिया। आप समाज को क्या शिक्षा दे रही हैं आप ये बताइए? मैं शिक्षा सबको देना तो नहीं चाहती, लेकिन सबकी जिंदगी है, सबकी अपनी लाइफ है, अपने तरीके से जी सकता है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो क्या आप महिलाओं का ऐसा काम कर देंगे कि सारी महिलाओं की जीवन आप बर्बाद कर देंगे? पहली बात तो सर मैं किसी का जीवन बर्बाद नहीं की हूँ, मैं अपना गारंटी ली हूँ, मैं अपने जो करें सो कर रही हूँ। क्या यही सनातन यही धर्म है किसी की बीबी जाके किसी दूसरे पति से शादी कर ले? उसका सबूत है उनके पास? तो साबूत नहीं है तो उसका असली वीडियो आपका वायरल हुआ है, पूरा न्यूज पे वायरल चल रहा है आपका वीडियो मैडम। तो मेरी गलती की मैं मान रही हूँ। आपका मोबाइल चैट हुआ है, कहना क्या चाहती हैं बोलिए आप, जनता को जवाब दीजिए आप। कोई जगह नहीं है मेरे दिल में मेरे पति के लिए, और रही बात SDM बनाने के लिए तो हाँ मैं मानती हूँ मुझे बनाए, लेकिन जब उनको औकात नहीं थी मुझे बनाने के लिए शादी क्यों की उन्होंने? तो शादी तो मैडम मतलब आपके पिताजी और आपकी माताजी की मर्जी से नहीं हुआ है, कोई जोर जबरदस्ती शादी मुत्तन तो आपसे किए नहीं है। हाँ तो नहीं किए, मैं भी नहीं कर रही जबरदस्ती किए हैं, गलतियाँ उनसे भी हुई, गलतियाँ मुझसे भी हुई, अब अपना सुधारने का कोशिश करें, मैं अपना लाइफ देखूंगी अब। मैडम जानते हैं संसार में अगर सबसे बड़ा अगर किसी को अगर उपमा दी गई है, अगर अधिकार दिया गया, माँ को दिया गया है, आपके दो दो बच्चे हैं वो बिलख रहे हैं इधर उधर दर बदर भटक रहे हैं, उनके लिए क्या कर रही हैं आप? हाँ तो एक सेकेंड, हेलो, हाँ आपका काम हो जाएगा, हाँ अभी फाइल नहीं आया, फाइल आएगा तो हम देख लेंगे, तो हो जाएगा काम, ठीक है रखिए। तो हाँ मैडम मैं बता जवाब दीजिए आप, जनता को जवाब दीजिए आप। हाँ तो सर आपने जो पूछा मैंने जवाब दिया, फाइनली जो बात है साफ साफ, मैं उनके साथ रहना ही नहीं चाहती। आप रहना नहीं चाहती जी? तो आप जीवन में करना क्या चाहती हैं आप SDM बनने के बाद? क्या फिर मतलब खुलेआम शादी करने जा रही हूँ उनसे आप? नहीं मेरे साथ आपका वीडियो आ रही है क्या यार तुम भी यार, ये ऐसे ऐसे आप वाकई पागल रखी हैं अपने मतलब ऑफिस में, आए देसी हथियार वो भी जा लीजिए। आप देख रहे हैं न्यूज के माध्यम से, ये न्यूज चैनल जो कि रिपोर्टर के कंधे जो है कि सर पे जो है कि देसी हथियार से जो है वार हो रहा है, आप लोग देखते रहिए आप लोग। तुम्हारे पास यही लेवंती दौरिया जी की ऑफिस यही ऑफिस है। सॉरी मैडम। क्या सॉरी मैडम? इससे पहले देखिए फोन पे फोन है, सब फर्जीवाड़ों का फोन आ रहा है बार बार, किसी से 10 लाख आप लिए, किसी से 50 लाख। अरे बोले ना काम हो जाएगा, बार बार ऐसे परेशान मत कीजिए, ठीक रखिए। ये सारा काला चिट्ठा मैडम वही जो आपके पति मुत्तन जी ने दिखाया है उन्हीं लोगों का फोन है, आप देख सकते हैं इनके मोबाइल पे जितना कॉल आ रहा है जाली सारे। सर ऐसे आप मेरा फोन नहीं उठा सकते? मैं नहीं उठा सकता। नहीं उठा सकते सर ऐसे फोन आप? क्यों नहीं उठा सकते? आपके ऊपर सरासर इल्जाम लगा हुआ है। इल्जाम लगे वो बात अलग है, लेकिन आप मेरे सामान को ऐसे टच नहीं कर सकते बिना मेरे पूछे। कोई आप अधिकारी अब नहीं रह गई, मैं टच क्यों नहीं कर सकता आपके ऊपर सरासर? जैसे अपराधी
पूरे देश के निजाम में अपराधी है, उसी तरह इस समय आप हिंदुस्तान में अपराधी हैं मैडम। मैं क्यों नहीं टच कर सकता आपकी मोबाइल टच किया हूँ, जब आपको कोई दूसरा टच कर सकता है तो मैं तो आपका मोबाइल टच कर रहा हूँ मैडम। ये देखिए आप न्यूज पे जान लीजिए, हमें लग रहा है कि हमको भी जान लीजिए स्वीट पॉइजन की तरह यहाँ पे मारने की कोशिश की जा रही है न्यूज वालों को भी। यहाँ देसी हथियार, यह देख लीजिए तंबाकू, ये जो आप पानी देख रहे हैं ये पानी नहीं है, शुद्ध जान लीजिए अल्कोहल है, मधुशाला का बना हुआ प्याला है, ये लेमन टी दौरिया की ऑफिस है। क्या कहना चाहती है जवाब दीजिए आप अपनी जनता को। ये जो हथियार आप भिड़ा रहे हैं इसको पहले दूर कीजिए, ये जो इल्जाम मेरे पर लगा रहे सरासर गलत है। इल्जाम मैं नहीं लगा रहा हूँ, इल्जाम का अंजाम आप दी हैं, आपका पति मुत्तन सरेआम आपके ऊपर पूरा काला चिट्ठा सार्वजनिक कर चुका है, पूरा हिंदुस्तान जा रहा है कि एक पत्नी को पढ़ाने के बाद उसका हश्र क्या होता है। और कहीं कहीं हम लोग न्यूज पे जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ लेकिन पत्नी मत पढ़ाओ और नहीं तो मुसीबत अपने सर बढ़ाओ, ऐसा हम लोगों के न्यूज पे कमेंट भी आ रहा है, जनता ऐसा आपके बारे में बोल रही है। लेवंती दौरिया जी, सारी मीडिया झूठ बोल रही है, इसमें हम क्या कर सकते हैं सर? मीडिया नहीं झूठ बोल रही है, पूरा जान लीजिए, आपका पति आपके लिए ब्लड बेच दिया, आपका पति बिल्ला ठाकुर के यहाँ अपनी पूरी जगह जमीन गिरवी रख दिया, पर ये जान लीजिए हमें लग रहा है इसका पति सही कह रहा है मुत्तन, और क्योंकि हमें इस बात की यहाँ पे गारंटी हो गई, ये देखिए यहाँ पे चुनौती मिली है, ये देखिए यहाँ पे दारू मिला है और यहाँ पे ना जाने कितने फोन आए इस मोबाइल पे और सब काला चिट्ठा, मुत्तन सही कह रहा है और यहाँ पे देसी हथियार द्वारा पत्रकार के ऊपर वार हो रहा है। आप हमारे कैमरामैन नीरज निषाद के साथ, मैं अभय देवा, मैं ग्राउंड जीरो पर मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ मैडम। ये आपका सारा काला चिट्ठा खुल चुका है, आपकी नौकरी जा चुकी है, आप देखते रहें इंडियन एक्टिव न्यूज चैनल, मैं अभय देवा कैमरामैन निषाद के साथ, आप लोग बने रहे हमारे चैनल पर। बदतमीज हो क्या तुम, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता कहाँ पे क्या करना चाहिए? अरे मैडम जी ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, कोई जरूरत नहीं तुम्हें नौकरी पर रहने की, जाओ यहाँ से निकलो। अरे मैडम जी कहा गरम हो थो, तो और तो नौकरी खुद ही चली गई बाटे, हला अपन हथियार पकड़ा। अरे हेलो, हाँ तुम कहाँ पे हो? मैं ऑफिस में हूँ। अरे यार एकदम मूड एकदम खराब हो चुका है, पता नहीं हमारा तुम्हारा वीडियो जो मेरा पागल पति वायरल कर दिया शायद। हाँ अभी मीडिया आई थी। तुम कहाँ पे हो आवास पे, वहाँ क्या कर रहे हो? नहीं तुम रहने दो, हम खुद ही आ रहे हैं वहाँ पे, हम अभी आ रहे हैं। चलो खो मिर्जापुर। कहाँ करे चलवा मिर्जापुर? अरे घूमा टहल रहे हैं, पहाड़ी पे घूमा है, रिपोर्टिंग मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बनारस जिले में आ रहा हूँ। ये सर बताइए जो मुत्तन के साथ जो उनकी बीबी एसडीएम गलत कर रही है सही कर रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर पहले तो बता दूं कि मुत्तन के साथ सबसे ज्यादा गलत हुआ है, उसके बाद उन्होंने इतना ज्यादा मेहनत करके अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया लेकिन लास्ट में मुत्तन की पत्नी ने छोड़ के चला गया, बहुत गलत हुआ। क्या भाई एसडीएम साहिबा सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। एसडीएम साहिबा बिल्कुल गलत कर रही हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? गलत है, गलत। सर आप क्या कहना चाहते हैं? पूरी तरह से गलत है सर। माने आप मुत्तन के सपोर्ट में हैं? हाँ एकदम जी, मुत्तन सपोर्ट में। आप मुत्तन के सपोर्ट में? जी जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं बनारस जिला है जो कि माना जाना जिला, उत्तर प्रदेश का माना जाना जिला है और उस जिले के लोग यहाँ पे बैठे हैं आपस में बात कर रहे हैं कि मुत्तन के साथ गलत हुआ है। मैं कैमरा मैन नीरज निषाद जी के साथ, मैं अभय देवा ग्राउंड जीरो पे इंडियन एक्टिव न्यूज के साथ, मैं आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बनारस जिले की ये रिपोर्टिंग है और सब लोग मुत्तन के साथ हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं हमारे न्यूज चैनल पे, कमेंट में आप डालिए।